गुड इवनिंग फीचर डॉक्टर्स, कैसे हैं प्यारे बच्चों? आ गए भाई, आ गए आ गए, शशिकांत आ गए। बच्चों आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है मिशन 340+ में, कर लो नीट अब अपनी मुट्ठी में। उसका टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और आज इस टॉपिक के साथ एक यूनिट हमारी यूनिट 10 इकोलॉजी की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ कोट है, जरा देखो। आई कांट डू इट। इस समय ऐसा फेज चल रहा है कि आपको लगता है कि कभी कभी कि पढ़ते पढ़ते लगता है सब भूल गए हैं, कुछ याद नहीं है। तो क्या कहते हो कि लगता है आप नहीं कर पाएंगे, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा होता होगा सबसे ज्यादा। चलिए बताइए, होता है कि नहीं होता, जरा बताइए। ऐसी फीलिंग कभी आती है कि लगता है कि अब नहीं हो पाएगा? यस, आती है, सही बात है भाई। तो उस समय आपको क्या करना होता है, बस एक स्टेप, बोल्ड स्टेप बोलते हैं ना, जैसे किसी चीज को कट करने में दर्द होता है या हिम्मत नहीं होती कि कट कर पाओ, वो स्टेप आपको उठाना है। बस सिंपल सा टी हटाना है एंड आई कैन डू इट। ये सिंपल सा जो उस समय का मेहनत होती है ना, लास्ट मोमेंट पे जो फोर्स लगाना होता है, अगर वो बच्चों आप लोग लगा दोगे देन यू कैन डू इट। कोई भी सक्सेसफुल पीपल से पूछिए आप, वही कहेगा कि लास्ट समय में जो दर्द होता है उससे अगर पार कर जाए तो सिलेक्शन निश्चित होता है। तो बेटा लगे रहिए। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है, तो बस क्या करना है, काट देना है इसका, ठीक है ना, ठीक है ना। बस सिंपल से क्या करना है बेटा, कट करना है। तो आज से गांठ बांध लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब भी ऐसी फीलिंग आए तुरंत अपने आप को कहना आई कांट को टी हटाना है सिंपल सा, और पूरा हो जाएगा आई कैन डू इट। तो बच्चों कैची की तरह बिहेव करना, जब भी कोई ऐसी बुरी ख्याल या ऐसा दिमाग में विचार आए कि लग रहा है अब नहीं हो पाएगा, निकाल फेंको, काट फेंको, क्योंकि होना ही है और होके रहेगा जब आपकी हिम्मत एकदम मजबूत होनी चाहिए, हौसला बुलंद होना चाहिए। यस, यू कैन डू इट। चलो बस सारे बच्चों लिख दो, सब लोग लिखो, बढ़िया, सब लोग लिखो फटाफट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट लिखो भाई, जरा लिख दो, लिख दो, एक बार लिख दो, जरा देखें हमको कितने बच्चे करना चाहते हैं आई कैन डू इट। डॉक्टर आशुतोष, अंजलि, आशु, सबका नाम लेंगे हम, अनुज, कृति, फ्यूचर डॉक्टर देव, शिबू, कोमल, छोटू, रजत, अनुश्री, आशुतोष, मनीष, उन्नति, अवंतिका, नितेश, यश, सबा, अनुश्री, युवराज, पूजा, सीमा। क्या बात है बच्चों, वेरी गुड, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, ये जज्बा रहना चाहिए। तो बच्चों एक जोश के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला चैप्टर का नाम देखते हैं क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। पेज टोटल कितने बेटा, 21 पेज हैं। कहां से कहां तक है, 219 to 239। चलिए ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे गए बेटा, 26 क्वेश्चन, यानी एट एन एवरेज 1 to 2 क्वेश्चन पर पेज एट एन एवरेज है। अच्छा बच्चों 2020 में कितना क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 2020 में 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पेज कौन सा है, पेज नंबर 227 एंड 237 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर पेज, इससे बेटा 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 227 में बेटा जरा देखना है कि नीट 2020 में जो क्वेश्चन आया था वो आया था 227 से। नीट 2020 में जो क्वेश्चन आया था वो आया था 227 पे। यहां पे दिया है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, यानी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट काफी इंपॉर्टेंट होता है। गुड इवनिंग श्रेयम, इससे क्वेश्चन आया था नीट 2020 में, पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, उसमें सेक्स रेशियो, नेटलिटी ऐसे करके था, 2020 का क्वेश्चन था, सिंपल था। नेक्स्ट बेटा जो आपका पेज है 237, 237 पेज जरा ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पे, वो है बेटा आपका म्यूचुअलिज्म,
यानी जो आपका पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है, जिसमें आपका प्रेडेशन है, पैरासिटिज्म है, कंपटीशन है, म्यूचुअलिज्म है, अमन सेलिज्म है, कमन सेलिज्म है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन रखता है बेटा? आपका म्यूचुअलिज्म। कई बार म्यूचुअलिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्लियर हो गया आपको पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स और साथ ही साथ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, उसमें भी खास करके म्यूचुअलिज्म, और है ही कितना, गिने चुने 10-12 एग्जाम्पल, उसे घूम फिर के क्वेश्चन बनाया जाता है। इसके बाद बेटा 2020 में क्वेश्चन और पूछा गया था आपका यहां से, पेज नंबर 235 से, ठीक है ना, पेज नंबर 235 से। तो इंपॉर्टेंट तो बेटा सारे पेजेस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं वो देख लेते हैं। 290, 220, 222, 238, 239, यानी कितने पेज इंपॉर्टेंट नहीं बेटा? 5 पेजेस। टोटल पेज थे 21, 5 हटा दीजिए तो 16 पेज ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बेटा अगर हम लोग बाइफर्केट करें तो 10 पेज को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, 6 पेज को आप चाहो तो विद इन 20 मिनट पढ़ सकते हो, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा हुआ है। एक चैप्टर को रिवाइज करने में ज्यादा से ज्यादा आपको आधा घंटा से कम का समय लगना चाहिए, इतनी उसको आपकी लाइन मार्क होनी चाहिए, और आपके मेन मेन पॉइंट पढ़ना जरूरी होता है। यही होता है भाई, सर आप कौन सी बुक यूज कर रहे हो? रिंकी बेटा नीट एग्जाम के लिए, बायोलॉजी के लिए खास करके एनसीईआरटी प्रिफर की जाती है और उसी से क्वेश्चन बनता है। फिंगर टिप भी अच्छा है, क्वेश्चन आप कर सकते हो लेकिन बिना एनसीईआरटी के नहीं हो पाएगा। एट एन एवरेज जरा देख लेते हैं भाई, 227, 226 एंड 232, इनसे पेजेस से इतने क्वेश्चन पूछे गए, जरा देख लीजिए 11.5, 11.5, 15/4, तो 38% इन तीन पेजेस से क्वेश्चन आए हुए हैं आपको। बच्चों हम इसको दे देंगे, आपको पता ही भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो जैसे बेटा हर लेक्चर में हम लोग पहले बताते हैं वो पॉइंट को जो थोड़ा सा एनसीईआरटी से हट के आता है, क्लियर। तो सबसे पहले बेटा जरा देख लो, एक वर्ड आया था निमेटोफोर्स अकर्सिन, तो बेटा आपको पता होगा कि यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड तो क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर आप मार्फोलॉजी से निकाल सकते थे। किसमें पाया जाएगा? नीट 2018 में आया था, और ऐसे प्लांट जो हाई सैलिनिटी में ग्रो करते हैं हेलोफाइट्स में, उसमें पाया जाता है बेटा निमेटोफोर्स। ईयर कौन सा था क्वेश्चन का? नीट 2018 में पूछा गया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया था नीट 2018 में बेटा हेलोफाइट्स, किसके रिगार्डिंग था? निमेटोफोर्स, क्लियर। प्लांट का नाम आपको पता भी होगा। इसके बाद बेटा इसमें निमेटोफोर वाले प्लांट यानी हेलोफाइट्स में वीवी पैरिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वीवी पैरिटी। वीवी पैरिटी मतलब प्लांट बॉडी पे ही सीड जर्मिनेट कर जाता है, क्योंकि भाई ये स्वाम्पी एरिया मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं, सैलिनिटी ज्यादा होती है, अगर सीड बेटा नीचे जाएगा तो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो इनमें एक एडाप्टेशन पाया जाता है, वो एडाप्टेशन क्या होता है कि मेन प्लांट पे ही सीड जर्मिनेट कर जाता है, जब थोड़ा सा सीडलिंग बन जाता है तब पौधा सॉयल पे गिरता है, यानी एक एडाप्टेशन है किसका बेटा? आपका हेलोफाइट्स का। कब पूछा गया था? नीट 2017 में, ठीक है ना। यस, राइजोफोरा एविसिनिया हेरिटेरिया, याद रखिएगा। तो एग्जाम्पल क्या याद रखो बेटा, हेलोफाइट्स में निमेटोफोर्स तो आपको याद रहते हैं, वीवी पैरिटी भी शो करता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, काफी पुराना क्वेश्चन है, कि लार्ज वुडी वाइन्स आर मोर कॉमनली फाउंड इन, तो उसमें बेटा ट्रॉपिकल था, एल्पाइन था, टेम्परेट था, ऐसे फॉरेस्ट के नाम दिए गए थे, और पूछा गया था वाइन्स, वाइन्स मतलब कि लताएं होती हैं ऐसे, लार्ज वुडी। तो ये बेटा पहले पढ़ाया जाता था, इसको बोलते हैं लायनाज। एक्चुअली क्या होता है आपको पता होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैनोपी इतनी डेंस होती है कि सनलाइट नीचे पहुंच ही नहीं पाती, तो ऐसे कुछ पौधे एडाप्टेशन क्या करते हैं कि उनका जमीन पे तो रहता है, फिर वो लताएं बना के पौधे के ऊपर, पेड़ के ऊपर चले जाते हैं, जिससे सनलाइट मिल सके उनको। ये आपको कहां मिलेगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ईयर था बेटा 2011 में, ईयर कौन सा था भाई? 2011 में।
तो ये दो पॉइंट आपको याद होना चाहिए। लार्ज वुडी वाइन्स जिनको हम लायनास बोलते हैं कहां पाया जाता भाई, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ईयर था 2011। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट लिख देना, क्योंकि नीट 2013 में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक स्पीसीज का सिलेक्शन होता जो होता आर सेलेक्टेड स्पीसीज और एक होता है के सेलेक्टेड स्पीसीज, ठीक है ना बच्चों। जरा आर वाला एग्जाम्पल आया था, कब आया था, नीट 2013 में आया था जब पहली बार नीट स्टार्ट हुआ था। तो आर सेलेक्टेड स्पीसीज में उसमें जो आंसर था उसमें था कि स्पीसीज ऐसी हो जो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें और साइज स्मॉल हो, क्लियर। तो यहां पे देखो नेटलिटी इज हाई यानी जन्म दर इसमें ज्यादा होता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग विद स्मॉल साइज, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग विद स्मॉल साइज। एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा आर सेलेक्टेड का, तो लिख लेना रैबिट हो गया आपका, बैक्टीरिया हो गया, ये सब। कहा जाता है जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं वो कैरिंग कैपेसिटी को पहुंच नहीं पाते, जल्दी नहीं पहुंचते हैं। कहने का मतलब समझो, जैसे रैबिट है तो आपको पता होगा बच्चों रैबिट का क्या हो सकता है, प्रीडेटर उसको प्रीडेट कर सकते हैं, तो ये स्मॉल नंबर में ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा ताकि बचे रहे, इसको बोलते हैं आर सेलेक्टेड। जन्म दर इनका ज्यादा होगा, उम्र लेकिन कम होगी, जिंदा रहने की इनकी जो डेज है वो कम होगा। और जो के सेलेक्टेड होगा वो क्या होगा, उसकी नेटलिटी क्या होगी, स्लो होगी, स्मॉल नंबर आप ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे और साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और उनका जो लॉन्गेविटी होती है यानी जीने की जो स्पैन है वो भी ज्यादा होगा। जैसे कि एग्जांपल रख लो वोल्फ, तो इनका साइज बड़ा होता है, ये प्रीडेटर है, तो ये कैसे होंगे बेटा के सेलेक्टेड स्पीसीज। तो एक होता आर सेलेक्टेड और एक होता है के सेलेक्टेड। गुड इवनिंग प्रीति, हालांकि आपके लिए मैंने ऐसा नहीं है कि बनाया नहीं, मैंने बना के रखा हुआ है, आपको दे दूंगा मैं, उसमें से आप देख लीजिएगा। तब देख लीजिएगा इसमें से, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, एक के सिलेक्टेड स्पीसीज के फीचर हैं और आर के हैं, आर का याद कर लीजिएगा, दोबारा उसका अपोजिट जस्ट जैसा क्या आपका बेटा के है। आगे एग्जांपल याद कर लेना, तो रैबिट होएगा आर में और वोल्फ आएगा भेड़िया, किसमें आएगा भाई के सिलेक्टेड में, ठीक है। बैक्टीरिया किसमें आएगा भाई, आर सेलेक्टेड में। ईयर था बेटा नीट 2013। तो तीन चीज आपको बता दी, एक तो पहले बता दिया भाई निमेटोफोर्स किसमें पाए जाते हैं और वीवी पैरिटी हैलोफैट्स में होता है, नीट 2018 नीट 2017 में पूछा गया था, बहुत सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं, लार्ज वुडी ट्री होती हैं बड़े बड़े, क्यों, क्योंकि ट्रॉपिकल में बहुत ज्यादा डेंस होता है जिससे सनलाइट नीचे नहीं मिलता, लायनास बोलते थे, 2011 का क्वेश्चन है, और आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड। एक क्वेश्चन आया था डार्विन के अकॉर्डिंग, कई बच्चे एक बार पूछते हैं कि सर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंट्रा है, तो दोनों, लेकिन डार्विन के अकॉर्डिंग देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू, ऐसा क्वेश्चन आया था और उसका आंसर था इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, जबकि ऑप्शन में बेटा इंटर स्पेसिफिक भी दिया हुआ था, ठीक है ना। गुड इवनिंग मोनिका, हाँ भाई हरीश बन गई प्ले लिस्ट। तो याद रखना अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंट्रा और इंटर में कौन ज्यादा इंटेंस होगा, तो बेटा इंट्रा इंटेंस होगा, ऐसे याद कर लो। एक बहुत पहलवान जैसा बंदा है और एक है भाई दुबला पतला, दोनों की अगर लड़ाई हो तो एक पहलवान की कैटेगरी का है, अलग स्पीसीज टाइप का है, और एक दुबला पतला वो अलग स्पीसीज का है। जैसे मान लो शेर और डियर, उनकी लड़ाई हो तो आपको पता है डियर एक्सक्लूड हो जाएगा, शेर जीत जाएगा, कंपटीशन है, लेकिन आपको पता है कि बहुत मेल का नहीं है। लेकिन अगर शेर शेर में हो, शेर टाइगर में हो, यानी जब बराबर के पढ़ते हैं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड होता है। आपका कंपटीशन उस बच्चे से नहीं है जो एग्जाम में 200-300 नंबर आता है,
आपका कंपटीशन उस बच्चे से होता है जो आपके एक नंबर ज्यादा दो नंबर कम ऐसे लगा रहता है, उससे बहुत खतरनाक कंपटीशन होता है। और आप इसकी फीलिंग जानते हैं, आपने महसूस भी किया होगा कि यार क्या यार एक नंबर से रह गए, राइट। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा इंटेंसिफाइड होता है और ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना भैया, क्लियर हो गया? हाँ, इंट्रा इज मोर इंटेंस। यस मोनिका, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन से ही आपके दिमाग में सब पॉइंट रहते हैं, इंटर स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट है। अरे ऐसा नहीं हम कह रहे कि इंटर स्पेसिफिक से इवोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन ज्यादा पोटेंट फोर्स कौन होगा? इंट्रा स्पेसिफिक। क्लियर? चलो ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब यहां पे अब एनसीईआरटी में देखो कौन से पेज से क्या इंपॉर्टेंट जरा देखते हैं। तो वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल मिलके सेल बनाए, मिलके टिश्यू बनाए, मिलके ऑर्गन बनाए, ऑर्गन सिस्टम मिलके इंडिविजुअल बनाया, इंडिविजुअल का ग्रुप पॉपुलेशन, कई सारे स्पीसीज एक जगह रखे हैं, दैट इज कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलके बेटा इकोसिस्टम, बायोम्स, देन बायोस्फीयर। तो ये आपका वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको याद होना चाहिए, और आपको याद भी है, मुझे कहानी गाने की जरूरत नहीं है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन बनाएगी, कई जगह की पॉपुलेशन मिलकर बनाएंगी सिस्टर पॉपुलेशन, और पूरी सिस्टर पॉपुलेशन बनाती है एक स्पीसीज, स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। एक पार्टिकुलर प्लेस पे कई सारी स्पीसीज रह रही हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बायोटिक कम्युनिटी, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, बायोटिक कम्युनिटी पूछा गया था। अब बायोटिक कम्युनिटी अपने ए बायोटिक फैक्टर यानी लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉयल, इन सब से इंटरेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। कई सारे इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे? बायोम, लैंडस्केप। और बायोम मिलकर क्या बनाता है? बायोस्फेयर। और लार्जेस्ट बायोस्फेयर होता है बेटा आपका अर्थ। क्लियर? चार्ज में लगा दो अनुज, वीडियो रुक रुक कर आ रही है, ऐसा है क्या भाई? उन्नति नीस बताएंगे, आने तो दो, वीडियो रुक कर आ रही है क्या भाई, जरा बताओ। नो, सारे बच्चे बताएं तो समझ में आए, कुछ प्रॉब्लम हो तो। नो नो, तो जरा अपना नेट नेट कनेक्शन देख लो भाई, अतुल और सबा देख लो भाई। ठीक है बच्चों, थैंक यू। तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल याद होना चाहिए, मैक्रो मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ये सब तो पता है। ऑर्गेनिज्म मिलके पॉपुलेशन, ढेर सारी पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन आपस में मिलके क्या बनाई भाई? स्पीसीज। ढेर सारी स्पीसीज एक जगह रही, बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर, इकोसिस्टम, देन बायोम्स। इसके बाद बेटा कहानी है, बुलबुल क्यों गाना गाती है और बुलबुल कैसे गाना गाती है, ये सब कहानी है, क्यों गाना गाती है, इकोलॉजी पर्सपेक्टिव है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नीट 2015 में एक क्वेश्चन आया था बायोटिक कम्युनिटी। तो बच्चों बायोटिक कम्युनिटी में नंबर ऑफ स्पीसीज देखते हैं, ढेर सारी स्पीसीज एक पार्टिकुलर एरिया में रह रही हो, उसको हम लोग बोलेंगे बायोटिक कम्युनिटी। क्या बोलेंगे भाई? बायोटिक कम्युनिटी। कोई बात नहीं अतुल, कभी कभी वाईफाई भी काम नहीं करता है। अब बच्चों यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, जरा इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म के आपस में इंटरेक्शन, और साथ ही साथ उसके फिजिकल इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन, यही तो है बेटा इकोलॉजी। हमारा हमारे आसपास जो इंसेक्ट हैं, बैक्टीरिया हैं, जो बेटा हमारे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, इनके बीच में जो इंटरेक्शन अलोंग विद टेम्परेचर, लाइट, सनलाइट, ये क्या कहलाएगा? इकोलॉजी। इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद फोर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। प्यारे बच्चों ऐसे तो चार ही नहीं और भी हैं, लेकिन यहाँ पे इकोसिस्टम नहीं रखा, ऑर्गेनिज्म रखा, पॉपुलेशन रखा, कम्युनिटीज रखी, यहाँ पे होना और क्या चाहिए था? इकोसिस्टम, लेकिन नहीं रखा क्योंकि अलग से एक चैप्टर लिखा हुआ है, देन बायोम्स। तो आपको ये चारों याद होने चाहिए, फोर बेसिक लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम्स। आप सबसे इंपॉर्टेंट, आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया जाता है, लेकिन एक बात बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अभी तक बच्चा इससे क्वेश्चन नहीं आया है, नहीं आया, और बहुत मेहनत से पढ़ाया जाता है लेकिन क्वेश्चन नहीं आया।
हो सकता है आ जाए, हम ये नहीं कह रहे नहीं आएगा, लेकिन आया नहीं है। चलो देखते हैं क्या दिया है। तो बेटा आपको देख लो, कई प्रकार के बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। एक तरफ बेटा क्या है आपका टेम्परेचर का रेंज है, और एक तरफ बेटा आपका क्या है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में बेटा स्नो भी आते हैं और रेन भी आता है। चलिए ठीक है, पहचानोगे कैसे? तो आपको पहचानना आता होगा, सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। हाँ भैया अंजलि वही कर रहे हैं, तुम तो डरा दे रहे हो उनको, इंपॉर्टेंट थ्योरी ही पढ़ा रहे हैं। तो ट्रॉपिकल का जरा देख लो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेना, मैंने लिखा हुआ है आपको भेज भी दूंगा। ट्रॉपिकल में देखो टेम्परेचर का डिफरेंस 18 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन रेनफॉल कितना 150 टू 400 सेंटीमीटर। तो अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा वर्षा कौन सा होती है, तो बेटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस देखो सबसे कम इसी में है, बाकी सब में ज्यादा है, क्योंकि वाई एक्सिस टेम्परेचर का है। देखो इसमें इतना ज्यादा है, इसका भी बहुत ब्रॉड है, इसका भी ब्रॉड है, ये भी ब्रॉड है, ये भी ब्रॉड है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है लेस डिफरेंस इन टेम्परेचर दैट इज ट्रॉपिकल, इसीलिए तो ट्रॉपिकल ज्यादा कॉन्स्टेंट था। ट्रॉपिकल क्या था? कॉन्स्टेंट था कंपेयर टू टेम्परेट, राइट। तो बेटा ये आप देख लेना, सबसे ज्यादा टेम्परेचर अगर देखो तो 25 डिग्री सेल्सियस पास होता है ग्रासलैंड, 0 टू 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डेजर्ट का जरा देख लो, तो डेजर्ट में देख लो सबसे कम क्या है प्रेसिपिटेशन का डिफरेंस है, बहुत कम प्रेसिपिटेशन है, लेकिन टेम्परेचर एक अच्छा खासा है। अब आता है क्वेश्चन, क्या आ सकता है कि इस ग्राफ को दे देगा और आपसे पूछा जाएगा भाई एबीसीडी करके। आशुतोष एम्स की बात नहीं कर रहे, हम नीट की खाली बात कर रहे हैं। हाँ उन्नति आते हैं, हाँ सारे होंगे भाई, सब कुछ कराएंगे आज। तो बेटा ये आपको याद होना चाहिए, देखो यहां से टी की फीलिंग आ रही है, एक कोन जैसा है तो कोनी फरस हो गया, उनके बीच में टेम्परेट आता है, ये देखो जी जैसा है तो ग्रासलैंड हो गया, बाकी ये बेटा तुम्हारा आर्कटिक एनल पॉइंट ढूंढ रहा है और ये डिजर्ट है, ठीक है ना। आपको पहचानने में आएगा, बाकी टेम्परेचर सबका लिखा हुआ है, आप ग्राफ से भी रीडिंग कर सकते हैं, इतना तो ग्राफ पढ़ने आता होगा, तो इसको देख लीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ एक क्वेश्चन था कि मेघालय में आपको यहां लिखा होगा कि सबसे ज्यादा स्कॉर्चिंग डिजर्ट रेन सोक डे सब है, तो मेघालय में बेटा आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा खासी एंड जयंतिया हिल सेक्रेड ग्रुप्स, याद आ रहा होगा मेघालय का। तो बच्चों मेघालय में जो ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय स्टेट है, वहां पे एक प्लेस है माउसिन रॉन्ग, जहां पे सबसे ज्यादा रेन यानी एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है, कितना होता है 1182.2 सेंटीमीटर। चेरापूंजी नहीं है, अब ये है तो याद रखिएगा। और मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि खासी आ रहा था, यानी खासी और जयंतिया का था सेक्रेड ग्रुप्स ऑफ मेघालय, पूछा हुआ क्वेश्चन था इसलिए लिखा है, आपको याद रहे, ठीक है ना। चलिए भाई मौसिन राम में सबसे ज्यादा होता है, डाटा दिया हुआ याद कर लीजिएगा। अब कुछ बायोम दिए हैं आपको याद होना चाहिए। अब बेटा यहां पे इस यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, जो ए बायोटिक फैक्टर कौन कौन से होंगे, टेम्परेचर वाटर लाइट एंड सॉयल। लेकिन आपको पता होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन होगा, दैट इज टेम्परेचर। मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट फैक्टर कौन होगा बेटा आपका, टेम्परेचर, ठीक है ना। आप किसी हैबिटेट को बायोटिक अकेला नहीं कर सकता, ए बायोटिक नहीं, दोनों के इंटरेक्शन से ही हैबिटेट बनेगा, ये तो बात आपको पता है। तो भाई देख लो लिखा होगा फिजिको केमिकल एबायोटिक कंपोनेंट एलन डू नॉट करेक्टराइज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली, जब तक वहां पे क्या ना पहुंचे बेटा बायोटिक। बायोटिक में कौन कौन सी कैटेगरी आएगी, पैथोजेंस पैरासाइट प्रीडेटर्स एंड कंपटीटर्स, ये कोई बात नहीं, सब कहानियां हैं याद रखने जाएगा। लेकिन यहां पे एक मेन पॉइंट आता है बेटा क्या, टेम्परेचर, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर वाटर लाइट एंड सॉइल में सबसे ज्यादा कौन सा होगा बेटा आपका, इन्वायरमेंटल फैक्टर टेम्परेचर, ये याद होना चाहिए आप लोग को, याद रहेगा भाई। यस आपको भी पता है भाई, ज्यादा गर्मी हो जाती है तो कहते हाय दैया परेशान है, एसी चाहिए, या परेशान रहे तो पढ़ो नहीं पाचो, दिन परेशान हो जाते हो नहीं पढ़ पाओगे, गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठंडी ज्यादा पड़ती है तब भी रजाई के अंदर घुसे रहते हो, समझ जाओ खुद से ही देख लो। तो इसके बिना आपकी एक्टिविटी क्यों, क्योंकि आपको पता है आपकी जीवन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म क्या चाहिए भाई, एंजाइम चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड भैया ये आपका नीस, 2018 में पूछा गया था इकोलॉजिकल नीस।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कई सारे बच्चों को ये इकोलॉजिकल नीश से डिफरेंस नहीं समझ में आता है, तो नीश क्या है पहले इसमें देख लो, पढ़ लेते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म हैज एन इनवेरिएबल डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन दैट इट कैन टॉलरेट, डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेस एंड अ डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, ऑल दिस टुगेदर कंप्राइज इट्स नीश। कहने का मतलब जरा सुनो, हर ऑर्गेनिज्म में हर कंडीशन को टॉलरेट करने की एक अलग अलग रेंज होगी, अलग अलग प्रकार का वो डाइवर्स विभिन्न विभिन्न प्रकार के रिसोर्स को यूटिलाइज करेगा, और जो इकोसिस्टम है उसमें एक क्या करेगा भाई, फंक्शनल रोल प्ले करेगा, उसको हम लोग कहते हैं नीस है उसका, उस ऑर्गेनिज्म की क्या है, नीस है। जैसे हम जहां पे रह रहे हैं तो वहां पे क्या टेम्परेचर टॉलरेट कर रहे हैं, कितना रेंज का टेम्परेचर या कितना रेंज की लाइट, कितना रेंज का पीएच, ये सब टॉलरेट कर रहे हैं, ये हमारा टॉलरेंस रेंज हो गया। क्या क्या हम रिसोर्स यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन हुआ। और साथ ही साथ उस इकोसिस्टम में हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं, हम पैरासाइट हैं कि हम प्रीडेटर हैं, कि हम कंज्यूमर हैं कि हम डिकम्पोजर हैं, दैट इज आवर फंक्शनल रोल। ये सब मिलके क्या कहलाएगा, इकोलॉजिकल नीश। क्या कहलाएगा भाई, इकोलॉजिकल नीश। क्लियर हो गया, ठीक है ना भैया, इसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल नीश। तो क्लियर हो जाएगा भाई, याद रखना। अब आप कहोगे सर फंक्शनल रोल तो क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट है भाई फंक्शनल रोल। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का इकोलॉजिकल नीश सेम हो सकता है, तो गलत है, नहीं हो सकता, ठीक है। कैन ऑक्यूपाई सेम इकोलॉजिकल नीश, अभी आगे आएगा। इसके बाद मैं एक ट्री का एग्जाम्पल आपको हमेशा देता हूं कि एक ट्री है उस पर एक बर्ड है सीड ईटिंग और एक है इंसेक्ट ईटिंग, हैबिटेट सेम है लेकिन उसका फंक्शनल रोल अलग अलग है। एक हर्बीवोर की कैटेगरी में आ रहा है और एक कार्निवोर की कैटेगरी में आ रहा है। एक का फंक्शनल रोल अलग है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन अलग है, और दूसरे का फंक्शनल रोल अलग है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन अलग है। तो दोनों का हैबिटेट तो सेम है लेकिन इकोलॉजिकल नीश सेम नहीं है। हैबिटेट सेम हो सकता है लेकिन इकोलॉजिकल नीश सेम नहीं हो सकते, ये बात याद रखिएगा। किससे भाई, ट्री पे जो दो प्रकार की बर्ड रहती है। क्लियर हो गया, बोलो भाई क्लियर हो गया। चलो अब टेम्परेचर की बात करते हैं। अभी आपको बताया था टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। क्लियर हो गया भाई, अब यहां देख लो ट्रॉपिकल डिजर्ट में टेम्परेचर कितना हो सकता है, ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ ऑर्गेनिज्म भाई ऐसे हैं जैसे कि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर एवरेज टेम्परेचर एक्सीड्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कल आपको दिखाया था डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट पे प्रोड्यूसर कौन सा था, ऐसा करके क्वेश्चन आया हुआ था, और वो कौन से थे भाई, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कौन से थे, अब नहीं होगा भाई नीस से रिलेटेड, तो क्या हो जाएगा भाई, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया रहते हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी, आपको पता होगा बच्चों, नीचे सनलाइट का सोर्स नहीं पाया जाता है। अब इसी कारण रीजन है भाई, सबका एक ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज होता है, यही रीजन है कि मैंगो ट्री कहां नहीं पाया जाता, कनाडा में नहीं पाया जाता। अच्छा एक होता है लैप्स रेट, समझिए, हाँ मोनिका, थर्मस एक्वेटिकस कैन टॉलरेट, राइट। जरा देखिए, एक होता बच्चों लैप्स रेट, क्या होता है, 6.4 डिग्री सेल्सियस टू 6.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना या डिक्रीज करना पर 10 डिग्री लैटिट्यूड डिक्रीज या इंक्रीज, या पर 1000 मीटर एल्टीट्यूड एलिवेशन या नीचे आना। तो याद होना चाहिए लैप्स रेट आपको कि कितना होता है बेटा, 6.4 डिग्री सेल्सियस टू 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 10 डिग्री लैटिट्यूड या 1000 मीटर एल्टीट्यूड इंक्रीमेंट। इसके बाद बेटा यही सब दुनियादारी लिखी हुई है, कनाडा में मैंगो ट्री नहीं ग्रो कर सकते, जर्मनी में नहीं कर सकते, स्नो लेपर्ड केरला में नहीं पाया जाएगा। उसके बाद टूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशियन, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, कभी कभी ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में है, करेक्ट इनकरेक्ट करके होता है या इस टाइप के स्टेटमेंट आता है तब दिया जाता है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बताया तो छोटू टेम्परेचर की वजह से,
यू कैन एप्री उसके सीड जर्मिनेशन के लिए जो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए वहां पे है नहीं। यू कैन एप्रिसिएट द सिग्निफिकेशन ऑफ टेम्परेचर टू लिविंग। अब बेटा यहाँ पे दो रेंज आता है, याद होना चाहिए, एक होता है यूरीथर्मल और एक होता है बेटा स्टीनोथर्मल, ठीक है ना। तो यूरीथर्मल, यूरी मतलब क्या होता है ट्रू, थर्मल मतलब टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के वाइड रेंज को क्या कर सकते हैं टॉलरेट कर सकते हैं। स्टीनो मतलब होता है नैरो रेंज, तो यानी ये टेम्परेचर के नैरो रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं। हाँ भाई, ट्यूना फिश इज रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। ये पॉइंट याद होना चाहिए, यूरी थर्मल याद होना चाहिए और भाई क्या याद होना चाहिए, स्टीनो थर्मल। बाकी आपको पता है टेम्परेचर का रोल क्यों है, क्योंकि भाई देखो इट अफेक्ट द काइनेटिक ऑफ एंजाइम्स एंड थ्रू इट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब समझो भाई, समझो। हाँ भाई राइट, जरा देखो मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। आप रेस्पायरेशन कर रहे हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो भी हमारे बॉडी की सिस्टम है, ये क्या है मेटाबॉलिक टाइप ऑफ रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म है। या तो कैटाबॉलिज्म हो रहा होगा या तो एनाबॉलिज्म हो रहा होगा। अब सोचो इसके लिए क्या होता है एंजाइम, बिना एंजाइम को कोई रिएक्शन नहीं होती है मेटाबॉलिक, तो सोचो। और एंजाइम किस पर डिपेंड होता है, ऑप्टिमल टेम्परेचर पे। इसी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा इन्वायरमेंट इकोलॉजिकली रेलिवेंट फैक्टर माना जाता है। पूछा है कैन यू थिंक ऑफ फ्यू यूरी थर्मल एंड स्टीनो थर्मल एनिमल एंड प्लांट्स। तो एनिमल तो आपको पता ही है, प्लांट भी होते हैं, आर्टिमिसिया है, कोकोनट है, ये सब है। कोकोनट स्टीनो थर्मल होता है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका वाटर। तो वाटर में बेटा सबसे पहली बात आपको यहां पे होना चाहिए, यहां से पढ़िए, फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी यानी केमिकल कंपोजिशन एंड पीएच ऑफ वाटर बिकम्स इंपॉर्टेंट। भाई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जहां पे रह रहा हो उस वाटर का पीएच कैसा है, मान लो एसिडिक है तो कोई रह ही नहीं पाएगा, और साथ ही साथ वहां पे कैसे केमिकल्स पाए जा रहे हैं वहां पे रहने के लिए ज्यादा जरूरी है। जैसे कि एक आया था बेटा आपका साल्ट कंसंट्रेशन, लेकिन मेजर्ड किसमें किया जाता है, पीपीटी में, तो इसलिए याद रखना क्योंकि आपको हमेशा याद रहता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। कोई बात नहीं, डाटा खत्म हो गया, ठीक है भाई क्या कर सकते हैं, डाटा खत्म हो गया बाद में देख लेना बेटा। अब यहां पे देखो फिर से डाटा ही आ गया, तो डाटा में देखो जरा देखो, एक है बेटा लेस देन फाइव, लेस देन फाइव कहां है भाई, इनलैंड वाटर में, 30 to 35 कहां है बेटा, सी वाटर में, एंड ग्रेटर देन 100 इन हाइपरसैलाइन लगूंस। बस इतना बेटा आपका तीन डाटा याद होना चाहिए, लेस देन फाइव इन इनलैंड वाटर, फ्रेश वाटर में होता है, 30 to 35 होता है बेटा आपका सी वाटर में, एंड ग्रेटर देन 100 कहां होता है बेटा, हाइपरसैलाइन लगून में होता है। ये तीन डाटा आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा गया है। सम ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट, भाई जो वाइड रेंज को करेंगे उसको बोलेंगे यूरी थर्मल मतलब टेम्परेचर, हेलाइन मतलब साल्ट, तो यूरी हेलाइन हो गए, और बेटा नैरो वाले होंगे स्टीनो, सार्क होता है, सैल्मन फिश हो गया। आपको पता होगा कि भाई जो फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं वो आपको बेटा मरीन वाटर में नहीं रह सकते हैं, डाई कर जाएंगे, और जो मरीन वाटर वाले होते हैं वो फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते, वैसे वर्षा होता है। एक एग्जाम्पल बताइए, जैसा आपको एनिमल किंगडम में ऐसा कुछ एग्जाम्पल देखने को मिला था कि मरीन वाटर वाला फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर गया, मर गया, कोई एग्जाम्पल बताइए भाई, एनी एग्जाम्पल। हाँ भाई पीएच तो बहुत इंपॉर्टेंट है, या क्या बात है एस चक्रवर्ती, वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में जाती है और मदर को दिन बाद डाई कर जाती है, क्यों, क्योंकि सर्वाइव नहीं कर पाती है फ्रेश वाटर, ठीक है ना भाई। पेट्रोमाइजन साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर याद होना चाहिए भैया, लैम्प्रे, पेट्रोमाइजन, हैगफिश या मिक्साइन, हमेशा याद रहना चाहिए, बाई टंग। आ जाओ भाई लाइट पे, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या बेटा, लाइट। सोचो लाइट ना रहेगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, हमें खाना नहीं मिलेगा, हमारा जयराम जी की हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना चाहिए भाई लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पूछा जाता है कि लाइट क्या हर जगह अवेलेबल है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, बट डीप ग्रेटर देन 500 meters इन द ओशंस द इन्वायरमेंट इज डार्क एंड इट्स इनहेबिटेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड सन। यानी 500 meters समुद्र के जाने के बाद वहां आपके ऑर्गेनिज्म को पता ही नहीं होता कि कोई सन है, यानी लाइट ही नहीं पहुंचता वहां पे।
तो पूछा है व्हाट देन इज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी? एनीवन, कोई बता सकता है भाई उनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? देखे भाई कोई बता दे तो बता दे। हाँ वेरी गुड अमृता, लैम्प्रे, पेट्रोमैजन, मिग्जाइन या हैगफिश। आया हुआ क्वेश्चन है, हमेशा याद होना चाहिए भाई बाई टंग। हाँ ये कैसे होंगे बेटा? सेप्रोफिटिक हो जाएंगे, जो ऊपर रहने वाले एनिमल की जो डेड रिमेन्स आएगा, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सरवाइव करेंगे। क्लियर? हाँ वही 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 वही, बस बस खत्म हो गया। बेटा सनलाइट में आपको पता होगा यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू द मेनी ऑर्गेनिज्म, व्हाइल नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल टू मैरीन प्लांट्स लिविंग एट डिफरेंट डेप्थ ऑफ द ओशियन। जैसे आपको पता होगा रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, सबसे डीप में कौन पाई जाती है भाई? रेड एल्गी पाई जाती है। तो रेड एल्गी क्यों पाई जाती है? क्योंकि रेड एल्गी बेटा ब्लू ग्रीन इन सब रीजन के वेवलेंथ को क्या करती है? यूटिलाइज करती है। आपको पता होगा कि ब्लू ग्रीन इनकी क्या होती है? एनर्जी ज्यादा होती है, तो इनका पेनिट्रेंस ज्यादा होगा, राइट? इसलिए रेड एल्गी बेटा आपकी पाई जाती है डीप इन द सॉयल। सॉयल, सॉयल में जरा एक पॉइंट याद कर लेना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी, इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट एंड द वेदरिंग प्रोसेस। किस क्लाइमेट में हुआ है? वेदरिंग प्रोसेस मतलब बेटा रॉक का टूटना इज कॉल्ड वेदरिंग। गुड इवनिंग आइंस्टाइन। सच्चो देखो बच्चों हमारी क्लास आइंस्टाइन भी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉयल में आप बेटा क्या देखना, जरा देख लो जरा से। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी, इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट द वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग मतलब होता है बेटा रॉक का टूटना। वेदर सॉयल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री। ट्रांसपोर्टेड सॉयल मतलब अगर बेटा उसको ग्रेविटी के जरिए जा रही हो तो कलुवियल बोलते हैं, वाटर के थ्रू जा रही हो तो एलुवियल बोलते हैं, और एयर के थ्रू जाती है तो बेटा इओलियन बोलते हैं। ठीक है ना भाई, ध्यान रखो, कलुवियल थ्रू ग्रेविटी, एलुवियल थ्रू वाटर, इओलियन थ्रू एयर, इतना याद होना चाहिए। अब बच्चों ध्यान से सोचना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, एक प्रॉपर्टी है बेटा, ध्यान से सुनो, एक प्रॉपर्टी है परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल। परकोलेशन मतलब उसमें कैसे रिस रहा है पानी, होल्डिंग मतलब वह सॉयल कितना देर तक पानी होल्ड कर सकता है। ये बेटा किस पर डिपेंड करती है? सॉयल का कैसा कंपोजिशन है और ग्रेन साइज एंड उसका एग्रीगेशन यानी उसका मिलावट कैसी बनी है। तो सॉयल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन क्या डिटरमाइन करते हैं बेटा? परकोलेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसके बाद देखो नेक्स्ट, पीएच, मिनरल्स कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी, मतलब उसका भूमि कैसी है, समतल है कि उबड़ खाबड़ है, दैट इज टोपोग्राफी। डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट टू द वेजिटेशन इन द एनी एरिया। तो वेजिटेशन के लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर घुमा के आ जाए कि परकोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो सॉयल कंपोजिशन, ग्रेन साइज और देयर एग्रीगेशन। ठीक है ना भाई? हाँ तो बेटा इतना याद होना चाहिए। क्लियर? अब बेटा जो क्वेश्चन आया था एक कर्नाटका नीट 2013 में, देखो क्या आया था। वो कहा गया था कि जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट होता है वहां पे जो बेंथिक मतलब तली पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो डिपेंड किस पे करता है? सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफन डिटरमाइन द बेंथिक एनिमल दैट कैन थ्राइव। तो बेटा ये यहां पे आंसर क्या था उसका? सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना? कहां आया था? कर्नाटका नीट 2013 में। कभी कभी बच्चों आपको पूछ लिया जाता है कि सॉयल का जो पार्टिकल है वो कैसे कैसे होंगे, तो बड़े बड़े पत्थर जैसे होंगे, ग्रेवल बोलते हैं, साइज होगा बेटा 1.2 1 to 2 मिलीमीटर, कोर्स सैंड, एक बालू महीन होता है एक मोटा होता है, उसका साइज होगा बेटा 0.2 to 2 मिलीमीटर।
फाइन सैंड होगा 0.022.2 मीटर, और क्ले जो मिट्टी होती है उसकी साइज क्या होता है, लेस देन 0.002 मिलीमीटर। अब बच्चों क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, कौन सा सॉयल होता है जो बहुत फिट होता है फॉर वेजिटेशन, तो लोमी, लोमी सॉयल, ठीक है ना। अब बेटा रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, अब इस एबायोटिक फैक्टर से हमारा रिस्पॉन्स क्या है, जैसे हम अपने ऊपर लेके चलते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है गर्मियों में, ठंडियों में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कैसा है, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। कहने का मतलब तुम चाहे कुछ भी रहो हमारा मेंटेन है, हम रेगुलेटर हैं, हम अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं। तो जो बेटा एबायोटिक फैक्टर हो, बाहर कैसा भी सैलिनिटी हो, हमारा ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट मेंटेन रहता है। तो कहने का मतलब हम लोग क्या है, रेगुलेटर हैं। लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी आता है कि जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है उनके बॉडी का भी टेम्परेचर वैसे बढ़ता जाता है, ये कहलाते हैं बेटा कन्फर्मर्स, ठीक है ना। और एक आता है इनके बीच का, पार्शियल रेगुलेटर, एक कुछ समय तक तो बेटा क्या रहते हैं, कन्फर्मर, फिर सिंपली रेगुलेटर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो याद होना चाहिए बेटा आपका कन्फर्मर, रेगुलेटर एंड पार्शियल रेगुलेटर। और पूछा भी गया है, बहुत पुराना पूछा गया है, यही ग्राफ देके पूछा था, ए बी सी डी कर दिया था, पूछा था कौन क्या है, ठीक है ना, दैट इज कन्फर्मर, रेगुलेटर एंड पार्शियल रेगुलेटर, आपको इतना याद होना चाहिए। अब बेटा रेगुलेटर के आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए, तो पहले देख लो ये, बस इसको अंडरलाइन करो, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड अ वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट, ऐसा नहीं खाली बर्ड और मैमल, लोअर वर्टिब्रेट में कुछ और इनवर्टिब्रेट में कुछ, एक कैपेबल होते हैं कौन सा, थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर का, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का, दोनों रेगुलेशन के लिए कैपेबल होते हैं, बस इतना आपको याद होना चाहिए। All birds and mammals, क्या बोला मैंने, All birds and mammals, इसके बाद बेटा याद रखना very few lower vertebrate, उसके बाद invertebrate, बस इतना याद होना चाहिए, दोनों regulation करेंगे याद रखना। अब भाई जो regulate कर लेंगे तो बाहर का कैसा भी होगा अपने आप को maintain रखेंगे, तो कहने का मतलब वो क्या हो जाएगा भाई, ऐसे लोग ज्यादा फलेंगे फूलेंगे और इनकी evolutionary growth ज्यादा होगी। तो सक्सेस ऑफ मैमल इज लार्जली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड थ्राइव देयर, वेदर दे लिव इन अंटार्कटिका और इन सहारा डिजर्ट, चाहे बहुत गर्मी वाले जगह पर रहे चाहे एकदम माइनस वाले में रहे, हमारा क्या है हम मेंटेन कर लेते हैं, और साथ ही साथ हम लोग आर्टिफिशियल मीन से भी कुछ ऐसे इक्विपमेंट बना चुके हैं इसलिए हम लोग रह लेते हैं। तो ये बेटा आपको याद होना चाहिए। जरा एक क्वेश्चन मेरा है, एंटार्कटिका बेटा नॉर्थ पोल पे है कि साउथ पोल पे है, ये आपको मैंने बताया था क्लास में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हाँ एसी एसी एसी, वेरी गुड एसी। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, कभी कभी फॉरेनहाइट में पूछ लेता है, तो आपको याद होना चाहिए 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, बाकी आपको कन्वर्ट करने आता होगा, 9/5 C = F+32 निकाल लीजिएगा। इसके बाद बेटा कहते हैं क्या प्लांट के पास ऐसा रेगुलेशन होता है, प्लांट्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर, सारे नहीं नहीं सारे नहीं, लिखो लिखो दो क्या है, कन्फर्मर के क्या, एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स, सारे नहीं नियरली लिखा है, कैन नॉट मेंटेन अ कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, इतना अंडरलाइन कर लो। कहने का मतलब ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स के बाद मैक्सिमम एनिमल और नियरली ऑल प्लांट्स क्या हैं, कन्फर्मर्स हैं। आप कहोगे सर कन्फर्मर क्यों है, तो ऐसे समझ लो जैसे इस समय गर्मी बाहर ज्यादा है, अगर मुझे अपने इस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखना है तो हमेशा एसी चलना चाहिए, ठंडियों में ब्लोवर चलना चाहिए जो एक्सपेंसिव है एनर्जेटिकली भी और हमारे लिए पैसे के लिए, तो कहने का मतलब मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसे हमारे बॉडी में भी ऐसा होता बेटा,
कि बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की ज्यादा खर्चा होता है। हेलो अरविंद जी, तो बेटा ये याद होना चाहिए आपको। नीट 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या आया था कि स्मॉलर एनिमल हिल पे बहुत आसानी से बहुत तेजी से चढ़ जाते हैं कंपेयर टू लार्जर एनिमल, ऐसा किस कारण से होता है? तो उसका आंसर ये था, जो स्मॉलर एनिमल होते हैं उनमें मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है, इस वजह से। कब पूछा गया था? नीट फेज वन 2016 में क्वेश्चन आया था। तो भाई स्मॉलर एनिमल का जो बॉडी सरफेस एरिया होता है वो लार्जर होता है रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम। तो बेटा पूरा वर्ड याद होना चाहिए। आप लोग सिंपल से ही बोलते हो कि बॉडी सरफेस एरिया किसका ज्यादा होता है, सिंपल से आंसर आता है स्मॉलर एनिमल। क्या आता भाई? स्मॉलर एनिमल। थैंक यू योगेन सर, स्मॉलर एनिमल आता है। लेकिन एक बात याद रखिए, जरा देखिए ध्यान से समझिए पूरी बात। मैंने पूछा ये रैट है और एलिफेंट है, एक रैट है और एक एलिफेंट है, जरा बताइए किसका सरफेस एरिया ज्यादा है। सिंपल एक क्वेश्चन है, रैट है, यस बीएमआर ज्यादा होगा भाई, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वेरी गुड। रैट और एलिफेंट में किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? रैट, एलिफेंट, रैट। देखो मुझे पता था इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। यस अच्छे ने भी ये रेड बोल दिया, सामने आते तो बताते तुमको। बच्चों क्या बात कर रहे हो, जरा रेड की पूरी बॉडी का सरफेस एरिया नाप लो और एलिफेंट का नाप लो, सैकड़ों रेड उसमें समा जाएंगे उसके सरफेस एरिया में। सिंपल सी बात, इतना बड़ा हाथी उसके आगे क्या है चूहे की मिसाल। तो सरफेस एरिया तो किसका ज्यादा होगा? एलिफेंट का होगा। लेकिन एक बात कहां पर कर रहा है, रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम के कंपेरिजन में, रेड के वॉल्यूम के कंपेरिजन में उसका सरफेस एरिया ज्यादा है और एलिफेंट अपने वॉल्यूम के कंपेरिजन में उसका सरफेस एरिया कम है। वॉल्यूम सरफेस एरिया रेशियो की बात कर रहा है, ठीक है ना? तो रिलेटिव टू डेयर वॉल्यूम की बात हो रही है। क्लियर हो गया? हाँ भैया। यस शीतला, वेरी गुड बच्चा। तो बच्चों याद रखना, क्योंकि हमारे यहां सिंपल सा अभी तक यही पढ़ते ही आए रहे थे कि स्मॉलर एनिमल का सरफेस एरिया ज्यादा होता है लार्जर का कम होता है। कहां है, इतना बड़ा हाथी है उसका सरफेस एरिया है ही नहीं कुछ, एज कंपेयर टू देयर वॉल्यूम होता है। यस क्लियर हो गया। अब बच्चों आपको पता होगा कि सरफेस एरिया के, यानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा कॉन्टेक्ट सरफेस मिला फॉर हीट लॉस, क्योंकि आपको पता होगा हीट लॉस सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए कहते हैं कि जो स्मॉलर एनिमल होते हैं उनके लिए अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। राइट right? ये पॉइंट यहां पे लिखा हुआ था और यहीं से एक क्वेश्चन बनाया गया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया गया था यही कि क्यों ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि स्मॉलर एनिमल में मेटाबॉलिक रेट बीएमआर ज्यादा होता है सरफेस एरिया की वजह से। इस वजह से भाई वो क्या होंगे, आप खुद ही समझो ना, एक भारी भरकम इंसान है और एक बहुत दुबला पतला है, पहाड़ चढ़ना है कौन चढ़ जाएगा, दुबला पतला। इसके बाद बेटा ये याद कर लीजिएगा, सम स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड द एबिलिटी टू रेगुलेट बट ओनली ऑन लेवल ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंट कंडीशन बियॉन्ड विच दे सिंपली कंफर्मर। ये होते हैं बेटा पार्शियल रेगुलेटर। हाँ दुबला पत्ता, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा। आप कहते हैं ये तो हो गया कि भाई जैसे गर्मी आया तो गर्मियों आप लोग क्या कर, चलो नानी के घर। राइट, नानी घर क्यों जाते हो? क्योंकि वहां पेड़ पौधे जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा लो होगा। या चलो घूमने शिमला। तो कहने का मतलब बच्चों कि कुछ समय तक जो एडवर्स कंडीशन आया था, खराब समय आया था, उससे बचने के लोग क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। या कोई लोग क्या होते हैं, ठंडी ज्यादा पड़ने लगी दुबक के बैठ गए घर में। तो इसका मतलब क्या हो गया, कुछ समय तक हाइड हो गए, इसको कहते हैं गायब हो जाना, अपने डेवलपमेंट को रोक देना। तो दो तरीका है जरा देख लो, एक है बेटा माइग्रेट, द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पररली, टेम्पररली बेटा परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी होता है, फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। वही कहानी है,
हमेशा नानी घर नहीं रहते हो, जब मौसम सही हो जाता है फिर चले आते हो पढ़ाई करने। इन ह्यूमन एनर्जी दिस स्ट्रेटजी इज लाइक अ पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला फॉर द ड्यूरेशन ऑफ समर। इस समय चल भी रहा है मौसम। मेनी एनिमल्स पार्टिकुलरली बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन टू मोर हॉस्पिटल एरिया। एक था बेटा साइबेरियन क्रेन, इसका एग्जाम्पल है। कहाँ पे आते हैं? केवलाडा नेशनल पार्क, भरतपुर, राजस्थान। तो ये नेशनल पार्क भी पूछा जा चुका है पहली बात, तो यानी इससे ये तो क्वेश्चन 2014 में आया ही आया है, साथ ही साथ नेशनल पार्क का भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इतना याद होना चाहिए भैया। साइबेरियन क्रेन कहाँ से आती है बेटा? साइबेरिया से। कहाँ पे आती है? राजस्थान में। कौन से पार्क में? केवलाडो नेशनल पार्क। और क्या नाम है भैया कहाँ पे? भरतपुर, राजस्थान। इतना याद होना चाहिए। सस्पेंड कुछ समय तक, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, लोअर प्लांट हो गए, इनमें बेटा वेरियस काइंड ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्स पाए जाते हैं, जो फेवरेबल कंडीशन में अगर रहेंगे तो जर्मिनेट करेंगे, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हो जाएंगे बेटा? सस्पेंड कर देंगे डेवलपमेंट को। जब नॉर्मल कंडीशन आएगा फिर उसमें स्पोर जर्मिनेट करके फंजाई वगैरह और लोअर प्लांट बना लेंगे, ठीक है ना? तो ये होता है सस्पेंड। इन हायर प्लांट्स सीड ऐसा रोल करता है, आपको पता होगा, सीड एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सर्व एज अ मीन्स टू टाइड ओवर द पीरियड ऑफ स्ट्रेस बिसाइड हेल्पिंग इन डिस्पर्सल। समझो गेहूं का है, इस समय गेहूं की कटाई हो चुकी होगी तो गेहूं निकला होगा। अब गेहूं भाई तुरंत बोओगे तो बोया नहीं जाएगा, कब बोना होगा बेटा आपको? ऑटम सीजन में। तो एक साल जो गैप लेना है तो कौन दिया उसके लिए? स्ट्रेसफुल कंडीशन को कौन टाइड ओवर किया बेटा? आपका सीड। ऐसे कुछ पौधे होते हैं बेटा जो उसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कोलोकेशिया, एलोकेशिया, ये सब सॉयल के अंदर पड़े रहते हैं, पौधा ऊपर से गायब हो चुका है, लेकिन जब उनका रेनी सीजन फेवरेबल सीजन आता है फिर पौधा निकल आता है, तो क्या हो जाता है? वो टाइड ओवर करता है स्ट्रेस कंडीशन को। दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब मॉइस्चर और टेम्परेचर कंडीशन लौट आएगा। और ये कैसे करते हैं? क्योंकि उस समय वो बेटा डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं। सीड में आपको पता होगा 10 से 15% मॉइस्चर पाया जाता है, यानी सीड में जो इम्ब्रियो जिंदा रहता है लेकिन कैसा रहता है? इनएक्टिव रहता है, डॉर्मेंट रहता है। इसके बाद बेटा एक आता है बेटा आपका हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीप और एस्टिवेशन में एस है तो क्या हो जाएगा भाई? समर स्लीप। तो एक हाइबरनेशन हो गया और एक हो गया एस्टिवेशन, क्लियर? चलो ठीक है। हाइबरनेशन का एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए तो बियर्स याद कर लेना, भालू, और एस्टिवेशन भी याद कर लेना बेटा आपका लैंड स्नेल्स एंड फिश और फ्रॉग। फ्रॉग ऐसा है, फ्रॉग में एस्टिवेशन और हाइबरनेशन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है ना? तो हाइबरनेशन का एग्जाम्पल बियर्स हो गया, लैंड स्नेल और फिश का एग्जाम्पल हो गया एस्टिवेशन यानी समर स्लीप। अब फ्रॉग में दोनों कैटेगरी पाई जाती है, हाइबरनेशन भी पाया जाता है और एस्टिवेशन दोनों पाया जाता है, क्योंकि फ्रॉग का जो फेवरेबल सीजन होता है वो होता है रेनी सीजन। अब बात करते हैं एडाप्टेशन की। तो प्यारे बच्चों एडाप्टेशन क्या हो सकता है? तो यहां देखो अंडरलाइन कर लीजिए, एडाप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल। आपको एक एग्जाम्पल लगाते हैं, जैसे ठंड है तो ठंड में सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन आप क्या करते हो? कपड़े ज्यादा पहन लेते हो, ठीक है ना? चलिए ठीक है। फिजियोलॉजिकल में आपको क्या करते हो बेटा? आप की फिजियोलॉजी बॉडी के अंदर चेंज हो जाती है। साथ ही साथ बिहेवियरल में आप क्या करते हो? तो बिहेवियरल में बेटा आप क्या करते हो? अपने बॉडी को कपकपाते हो, सीवरिंग करते हो, जिससे हीट जनरेट हो, जैसे हीट जनरेट हो। आपके जो बेटा हेयर्स होते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं, जिससे उनके बीच में एक एयर का ब्लैंकेट बन जाए। ये सब ठंड से क्या है? आपका एडाप्टेशन है। तो एडाप्टेशन कैसे भी हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और बिहेवियर भी हो सकता है। अब बेटा एक एक करके पढ़ना है तो सबसे पहले जरा देख लेना, कंगारू रेट इन नॉर्थ अमेरिका डिजर्ट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब फिजियोलॉजिकल है। कैसा है भाई? फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है कंगारू रेट का, याद रहेगा? हाँ, गूज बम्स हो जाता है। कैसे करेगा? एक तो भाई अपने यूरिन को कंसंट्रेट कर देगा जिससे कि कम पानी का लॉस्ट हो, और साथ ही साथ फैट ऑक्सीडेशन करेगा तो वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा और कभी भी पानी नहीं पीता। इसके बाद बेटा मेनी डिजर्ट प्लांट होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा अपुंसिया हो गया, उसमें संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। संकन स्टोमेटा का मतलब होता है डीप पिट्स, गड्ढे में पाया जाता है स्टोमेटा, एक्सपोज नहीं होते।
टू मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपायरेशन। और साथ ही साथ इसमें बेटा एक स्पेशल पाथवे पाया जाता है, दैट इज कैम, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कैम का खास बात होती है, जरा बताइए कैम प्लांट में स्टोमेटा कब खोलते हैं, दिन में कि रात में? स्टोमेटा ओपेंस एट, इन कैम प्लांट्स स्टोमेटा ओपेंस एट। कैम प्लांट में स्टोमेटा कब खुलते हैं भाई? वर्षा, अगर वो फिजियोलॉजी, जैसे यहां पे इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन यानी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है तो फिजियोलॉजिकल हो जाएगा। या इसकी संकन स्टोमेटा हो गया, थिक क्यूटिकल हो गई, ये सब कैसा हो गया भाई आपका? मॉर्फोलॉजिकल। यस, नाइट में, इन नाइट कब होता भाई? इन नाइट, याद रखिएगा। चलो ठीक है, और साथ ही साथ आपको पता होगा, जरूर लिखा होगा, लिखा भी था, दैट इनेबल देयर स्टोमेटा टू रिमर्ज रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे। डे में क्लोज रहता है और नाइट में ओपन रहता है। सम डेजर्ट प्लांट्स लाइक अपुंसिया हैव नो लीव्स, लीव रिड्यूस हो जाती है किसमें बेटा? स्पाइंस में। और एंड द फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द फ्लैटेंड स्टेम्स फिलोक्लैट। क्या आएगा भाई? फिलोक्लैट, याद होना चाहिए आपको। अब इसके बाद बेटा एक आता है, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस, दिस इज कॉल्ड एलन्स रूल। तो एलन्स रूल क्या होता है? एक्सट्रीमिटीज जो होती हैं, ईयर लिम्स, फोर लिम, ये सब, ये बेटा छोटी छोटी होती हैं। क्यों? जरा देखो, जैसे देखिए, अगर मेरे हाथ बहुत बड़े होंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा? हीट लॉस होगा, राइट? तो अगर ठंडे जगह पे पाए जाने वाले के एक्सट्रीमिटीज, कान बड़े बड़े हों और हाथ और पैर बड़े हों, तो यानी हीट लॉस ज्यादा होगा उनका, तो ऐसे लोग तो रह नहीं पाएंगे वहां पे कोल्डर क्लाइमेट में। तो इनकी एक्सट्रीमिटीज छोटी छोटी होती हैं जिससे हीट लॉस मिनिमाइज हो। और ऐसा आप खुद भी करते हो, जब आपको ठंड ज्यादा लगती है तो आप अपने हाथ को ऐसे सिकोड़ के ऐसे बैठ जाते हो, हाथ पैर को, ना कि अपने हाथ पैर को फैला देते हो। जब आपको ठंड लगती है तो ऐसे सिकोड़ लेते हो, खुद करते हो, यानी क्या कर रहे हो आप? मिनिमाइज कर रहे हो अपने सरफेस एरिया को। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक सील हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट, ब्लबर बोलते हैं बेटा, बिलो देयर स्किन दैट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड रिड्यूसेस लॉस ऑफ बॉडी हीट। चलिए ठीक है। अच्छा बच्चों, एलन रूल के अलावा एक रूल और होता है, पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, बर्गमैन्स रूल। बर्गमैन मतलब बा से बर्ग और बा से बिग। आपको पता है स्मॉल साइज के जो एनिमल होते हैं उनका सरफेस एरिया रिलेटेड टू देयर वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसलिए हीट लॉस ज्यादा होगा। तो स्मॉलर एनिमल कहां नहीं पाए जाएंगे? कोल्डर क्लाइमेट में नहीं पाए जाएंगे। तो कौन सा पाया जाएगा? बिगर एनिमल। तो बर्गमैन, बिगर एनिमल कहां पे भाई? कोल्डर क्लाइमेट में, जिससे हीट लॉस ना हो। हां भाई, बर्गमैन्स रूल। चलो ठीक है। अब बेटा आगे एक क्वेश्चन आया हुआ था AIPMT 2012 में, जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो, जैसे कि ग्रेटर देन 3500 रोहतांग पास नियर मनाली, तो सबसे पहले आपको नौजिया फीलिंग आती है, मितली जैसी आती है कि आपको उल्टी हो जाएगी, आपको सांस फूलने लगता है, दिल धड़कने लगता है, हार्ट पल्पिटेशन होने लगता है। तो ये सब का बेटा सिम्टम्स को धीरे धीरे बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाती है, और कुछ समय एक दो तीन चार पाँच छः घंटे बाद, एक दो दिन बाद आप चाहो तो वहाँ पे हमेशा रह भी सकते हो, इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो कैसे रखते हो? तो सबसे पहले बॉडी क्या करती है भाई? बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। और साथ ही साथ एक ऐसा पॉइंट रहता है जो आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बाय रिड्यूसिंग द बाइंडिंग एफिनिटी। क्योंकि आपको पता होगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, इनके बीच का जो जुड़ाव है दैट इज एफिनिटी। नॉर्मल कंडीशन में 25% ऑक्सीहीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसफर करते हैं टिश्यू को। आपको पता है क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन लालची है, 75% बचा लिया, 25% ट्रांसफर किया, राइट? तो भाई आप देखना होगा,
आपको ऑक्सीजन की क्या है रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो हीमोग्लोबिन से टिश्यू बोलेगा भैया हमको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ये जो अपना लगाव है पैसे से उसको कम करो, यानी बाय रिड्यूसिंग बाइंडिंग एफिनिटी, यानी डिक्रीज करेगा बाइंडिंग एफिनिटी, तो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाएगा टिश्यू को, ठीक है ना। बाकी भाई 2011 में आया था बिहेवियर वाला, कि जो डिजर्ट लिजर्ट होती है उसमें कैसा पाया जाता है, तो बोलना बिहेवियरल एडॉप्टेशन। तो डिजर्ट लिजर्ट लैक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी दैट मैमल हैव टू डील विद द हाई टेम्परेचर ऑफ देयर हैबिटेट बट मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कॉन्स्टेंट बाई बिहेवियरल मीन्स। एक क्वेश्चन आया हुआ था, जब टेम्परेचर कम होगा तो धूप सेक लेगी, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सैंड के नीचे चली जाएगी। अब आता है बेटा नेक्स्ट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यहां पे ये पॉइंट है बेटा, नीट 2020 में देखो क्वेश्चन भी पूछा गया था, देखिए क्या है। एक तो है एन इंडिविजुअल मे हैव बर्थ एंड डेथ, एक ऑर्गेनिज्म की या तो जन्म होता है या तो उसकी मृत्यु होती है, लेकिन एक पॉपुलेशन में क्या हो सकता है, बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है ना, और सेक्स रेशियो हो सकता है। एक ऑर्गेनिज्म या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, लेकिन एक पॉपुलेशन में सेक्स का रेशियो होगा, हो सकता है भाई 1000 पे कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। ये आया था क्वेश्चन नीट 2020 में यहां से। फिर उसके बाद बेटा एक आपका क्वेश्चन आता है यहां पे, जरा देख लो कि एक पॉन्ड है, मान लो लोटस का एक पॉन्ड है, वहां पे 20 पौधे हैं लोटस के। उसके बाद बेटा क्या हो गया कि थ्रू रिप्रोडक्शन 8 नए पौधे आ गए, तो 8 नए आ गए तो टोटल कितने हो गए 28, ठीक है ना। अब पूछा जाता बर्थ रेट क्या है, तो बर्थ रेट क्या होता, जो नए आए हैं कितने आए बेटा 8, पुराना कितना था 20, तो ये निकालोगे तो क्या हो जाएगा 0.4, यानी बर्थ रेट होता है पर कैपिटा, कैसा होता बेटा पर हेड होता है, कैपिटा मतलब हेड, ठीक है ना। हाँ भाई, तो बर्थ रेट कैसा होता पर कैपिटा, ऐसे निकाल लीजिएगा आप। डेथ रेट भी कैसे निकलेगा पर कैपिटा, देखो 40 फ्रूट फ्लाई थी, 4 मर गए, तो जरा बताओ डेथ रेट क्या होगी, 40 थी कितने मर गए भाई 4 मर गए, 4/40 कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा इसका डेथ रेट। तो पर कैपिटा देखते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा आपका एक ग्राफ है, तीन प्रकार के बेटा आपके ग्राफ दिखाए गए एज पिरामिड, एक होता है एक्सपेंडिंग, एक होता है स्टेबल और एक होता है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का पूरा एजिटेड ग्राफ दिया था ईयर 2011 में, बाकी ग्रोथ के ग्रोथ जैसा जैसे एक्सपेंडिंग के ऊपर था नीट 2018 कर्नाटका, नीट 2013 में। तो याद कर लेने यहां पे प्री रिप्रोडक्टिव अगर ग्रेटर हो किससे बेटा रिप्रोडक्टिव से, तो ग्रोथ होगी पॉपुलेशन की और ग्राफ कैसा होगा एक्सपेंडिंग होगा। अगर प्री रिप्रोडक्टिव बराबर हो किसके बच्चा रिप्रोडक्टिव के, ठीक है ना, तो ग्रोथ क्या है स्टेबल है, और अगर प्री रिप्रोडक्टिव कम हो जाए रिप्रोडक्टिव के तो ये क्या हो जाएगी डिक्लाइनिंग हो जाएगी। कैसी हो जाएगी भाई डिक्लाइनिंग हो जाएगी। तो बेटा क्वेश्चन आया हुआ है इसी खाली जो आपके एज पिरामिड है एक्सपेंडिंग से आया था 2018 में और 2013 में, और डिक्लाइनिंग का यही ग्राफ देके पूछा गया था 2011 में। तो याद होना चाहिए बेटा आपका दोनों, प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा हो रिप्रोडक्टिव से एक्सपेंडिंग, प्री रिप्रोडक्टिव बराबर हो रिप्रोडक्शन के स्टेबल, कम हो तो डिक्लाइनिंग। अब बेटा यहां से इस पेज से क्वेश्चन नहीं पाएगा है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं बता सकता हूं, पॉपुलेशन डेंसिटी को नापा कैसे जाता है जनरली, तो बेटा नंबर में, किसमें नापा जाता है नंबर में, लेकिन क्या ये हमेशा नंबर का पैरामीटर फिट होता है, तो कहते हैं ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 20 पार्थेनियम कैरेट ग्रास की स्पीसीज है और एक बनियान ट्री है, तो अगर देखा जाए नंबर की बात किया जाए तो भाई 20 नंबर यानी पार्थेनियम की डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन अगर रोल की बात किया जाए तो बनियान ट्री पे हजारों इंसेक्ट सैकड़ों बर्ड बहुत सारा इकोसिस्टम सरवाइव कर रहा है, तो अगर देखा जाए परसेंट कवर बायोमास किसका ज्यादा होता है बेटा आपका ह्यूज बनियान ट्री का,
तो ऐसे केसेस में बेटा आपका पॉपुलेशन डेंसिटी एन यानी नंबर में क्या हो जाता है, इन अप्रोप्रिएट हो जाता है, कोई मायने नहीं रखता है। वहां पे क्या मायने रखता है, परसेंट कवर बायोमास, बस इतना याद होना चाहिए। उसके बाद बेटा बैक्टीरिया पॉपुलेशन को कैसे ग्रो करेंगे, जैसे मछली, आप जैसे गए आज आपको मछली पकड़नी थी, जाल डाला आपने, निकाला दो मछलियां मिली, फिर दूसरे तालाब में गए आपने जाल डाला 1000 मछलियां मिल गई, तो आप कहोगे कि यहां पे मछली की डेंसिटी ज्यादा है, यानी पर ट्रैप जाल में जितनी बार जितनी मछलियां आती वहां से आप अंदाजा लगा लेते हो कि यहाँ की मछली की डेंसिटी ज्यादा है। इसके बाद आपको जैसे सेंसस किया जाता है टाइगर वगैरह का, तो उसमें फीकल पैलेट और बेटा पगमार्क देख के किया जाता है। अब बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ, तो भाई क्या होगा ग्रोथ में, एक होगा जन्म एक होगा मृत्यु, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे। तो बेटा नेटलिटी में देख लो, ओडिशा नीट 2019 और नीट 2018 में आया था, यानी ये इंपॉर्टेंट हो गया, लिख लो इंपॉर्टेंट। नेटलिटी के बारे में पूछा गया था, तो नेटलिटी रिफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी, और ये एड होगा प्लस में जाएगा। मोर्टिलिटी क्या होगा, डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एक समय में, जैसे मान लो 2020 से 21 में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग चले गए और कितने लोग आ गए पॉपुलेशन में, तो चले गए ई माइग्रेशन, आ गए आई माइग्रेशन, तो ये तीनों आप याद रखना चाहिए, नेटलिटी बर्थ, मोर्टेलिटी डेथ, आई माइग्रेशन आ गए, ई माइग्रेशन चले गए। इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, जो भी समय की बात करोगे, जैसे 2010 से 2020 तक कितने लोग की बर्थ हुई, कितनी मृत्यु हुई, कितने लोग आ गए, कितने लोग चले गए, सब कुछ कंसीडर करना। अब बेटा एक ग्राफ दिया है, नेटलिटी पॉजिटिव होता है, आई माइग्रेशन पॉजिटिव होता है, ये दोनों निगेटिव होते हैं। इसके ऊपर एक बेटा आपका फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में पूछा जा चुका है एन, लेकिन आपका नीट और एआईपीएमटी नहीं आया, एन टी प्लस वन इक्वल टू एन एट टाइम टी, इसके बाद बी और आई जुड़ेंगे, डी और प्लस ई जुड़ेंगे और दोनों आपस में घट जाएंगे। क्वेश्चन आया हुआ था 2013 में डाटा देते हुए कि बी क्या है, आई क्या है, डी क्या है, ई क्या है, तो जरा बताइए उसका ग्रोथ क्या है, ठीक है। तो नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा है, ये आपको याद होना चाहिए। अब ग्रोथ मॉडल से जरा क्वेश्चन जो बेटा आया है, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि भाई डीएनए अपॉन डीटी, ठीक है ना, ग्रोथ पर यूनिट टाइम क्या होता होगा, डेंसिटी और एक बेटा नेचुरल इंक्रीज का फैक्टर दैट इज बी माइनस डी, वो क्या कहलाता है, आर। तो पर कैपिटा डेथ रेट माइनस पर कैपिटा डेथ, बर्थ और डेथ का जो माइनस करने के बाद जो आउटपुट निकलता है वही इंक्रीज कहलाता है आर, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो ये फार्मूला पहली बात याद होना चाहिए, डीएन अपॉन डीटी इक्वल टू आर एन, आर क्या होता है बी माइनस डी। आर वैल्यू अभी तक पूछी नहीं गई लेकिन आप याद कर सकते हैं, नॉर्वे रेड की होती है 0.015, फ्लोर ब्रिटल की होती है बेटा 0.12, और 1981 में ह्यूमन की पॉपुलेशन की जो थी वो बेटा था 0.0205, ठीक है ना, अभी तक नहीं आया कहीं पे, लेकिन आपको याद हर चीज होनी चाहिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था इससे आया, इस ग्राफ से, खास करके आपका ये लॉजिस्टिक वाला, ठीक है। तो डीएन अपॉन डीटी इक्वल टू आर एन आपका बेटा जे से एक्सपोनेंशियल है, ठीक है ना, लेकिन ये जो लॉजिस्टिक होता है जब आप लगा देते हो कैरिंग कैपेसिटी, तो भाई इसमें कैरिंग कैपेसिटी यानी लिमिट लगा दी हो, तो ग्राफ क्या बनेगा, डीएन अपॉन डीटी इक्वल टू आर एन और बगल में होता के माइनस एन अपॉन के, तो फार्मूला होता कन अपॉन के, कनक, कन अपॉन के मतलब कनक, ठीक है ना। मेंस 2011 में बेटा ये सीधे ग्राफ पूछा गया था, और नीट फेज वन 2016 में एक क्वेश्चन आया था कि पॉपुलेशन जीरो ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ जीरो कब हो जाएगी, अगर इक्वेशन ऐसा हो डीएन अपॉन डीटी इक्वल टू आर एन वन माइनस एन अपॉन के, तो जीरो करना होगा तो आपको क्या कर दो, एन अपॉन के को क्या कर दो वन, तो वन माइनस वन जीरो, मल्टीप्लाई करोगे सब कुछ क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यही था एन बाय के की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू वन होनी चाहिए, आंसर यही था। उसमें बेटा आपको ग्राफ दिया था लेकिन आपको ग्राफ याद होना चाहिए, डीएन अपॉन डीटी इक्वल टू आर एन, या क्या होना चाहिए बेटा, डीएन अपॉन डीटी इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के कनक।
नीट 2017 में बेटा सीधे यही पूछा गया था कि कौन लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन को दिखा रहा है, और साइंटिस्ट का नाम क्या है बेटा, वर्ल हस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर सिग्माड होता है। इसके बाद बेटा यहां से तो आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन आप इतना याद कर लेना कि अगर साइज बड़ा होगा तो स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजनी होगी, और साइज छोटा होगा तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी होगी। दो एग्जांपल देख लो, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखना कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने लाइफ टाइम में बेटा क्या होते हैं, एक बार ब्रीड करते हैं। जैसे कि आप देख लो, सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बू। बैम्बू का एग्जांपल आपको याद होगा, 50 to 100 ईयर मोनोकार्पिक। लेकिन एक एग्जांपल और याद कर सकते हो, पैसिफिक सैल्मन फिश डाई कर जाते हैं तो एक ही बार ब्रीड करेंगे। वाइल अदर ब्रीड मेनी टाइम्स, बर्ड्स एंड मैमल्स हमें लोग, सम प्रोड्यूस आर लार्ज नंबर ऑफ स्पीसी, तो ज्यादा करेंगे तो स्मॉल साइज का होगा, यह तो याद होना चाहिए, ऑयस्टर एंड पिलेजिक फिश। जबकि बर्ड्स और मैमल कैसे होते हैं बेटा आपका, स्मॉल नंबर होगा तो साइज कैसे होते हैं, बड़े बड़े, बस इतना याद होना चाहिए आपको। हाँ भाई, कुछ लाइफ टाइम बेटा वन टाइम ब्रीड पैसिफिक सैल्मन एंड बैम्बू, बर्ड और मैमल मेनी टाइम, बर्ड और मैमल में क्या होगा, स्मॉल नंबर लार्ज साइज, ऑयस्टर और पिलेजिक फिश में क्या होगा बच्चों, लार्ज नंबर स्मॉल साइज। अब सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आपका ये है ग्राफ, आपको यहीं पे इसी ग्राफ में सारे एग्जांपल लिख लेने चाहिए, आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। सिंपल सा बात बताओ, म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों प्लस प्लस, यानी दोनों को एक दूसरे को क्या मिलेगा बेटा, बेनिफिट होगा। अब म्यूचुअलिज्म से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। माइनस माइनस दोनों को नुकसान होता है कंपटीशन में, किसमें होता बेटा, कंपटीशन में, नीट 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। प्लस माइनस हो प्रीडेशन, प्लस माइनस पैरासिटिज, तो बेटा याद होना चाहिए प्लस माइनस बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीडेशन में भी है और पैरासिटिज में होगा, एक बेनिफिट दूसरा का नुकसान, एक बेनिफिट दूसरे को नुकसान। कब पूछा गया था, नीट फेज 2 2016 में, तो बेटा ये याद कर लेना। अच्छा, और साथ एक बात याद रखना, स्पीसीज ए और बी है तो कभी कभी ए भी घुमा दे इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर मान लो हमने बी को यहां पे प्लस कर दिया और ए को माइनस कर दिया तब भी बात कोई दिक्कत नहीं, सेम ही है, ठीक है। हमने कोई एग्जांपल तो नहीं दिया है, क्लियर। चलो ठीक है, तो बेटा एक कमेंसालिज्म हो गया, एमेंसालिज्म हो गया, ठीक, ये बेटा आपको याद होना चाहिए। अब एग्जांपल एक एक करके लेते हैं। म्यूचुअलिज्म में बेटा दोनों बेनिफिटेड होते हैं, सबसे पहले एग्जांपल आता है लाइकेन। लाइकेन किसके किसके बीच में इंटरेक्शन होता है बेटा, एल्गी और फंजाई के बीच में, क्लियर हो गया। माइकोराइजा, माइकोराइजा बेटा दो जगह आएगा, क्वेश्चन आया था। माइकोराइजा में बेटा हायर प्लांट का फंजाई का इंटरेक्शन होता है, माइकोराइजा बताते हैं, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइनोबैक्टीरिया बेटा एक तो याद करो पैडी फील्ड में अलोंग विद एजोला, साइनोबैक्टीरिया पैडी फील्ड में अलोंग विद एजोला, क्लियर। इसके बाद बच्चों आपका साइकस के कोरलॉइड रूट में भी साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन पाया जाता है, ये भी क्या है, सिम्बायोटिक, यानी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद बेटा कंपटीशन आता है आपका, कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है, माइनस माइनस कई सारे एग्जांपल आपको दिखाएंगे अभी, और प्लस माइनस प्रेडेशन होता है, पैरासिज्म, ये आपको याद होना चाहिए। मेंस 2010 में इनके कहानी पे पूछा गया था। चलो एक एक करके इंट्रेक्शन पढ़ते हैं। अमन सेलिज्म बेटा एक को नुकसान, माइनस और जीरो होता है। एंटीबायोटिक्स इसका एग्जांपल है, नीट 2018 में क्वेश्चन आया था। एक और होता है बेटा आपका ब्लैक वॉलनट, एक ब्लैक वॉलनट एक ट्री है, ये भी शो करता है बेटा आपका एमेंसालिज्म, क्या शो करता है, एमेंसालिज्म, ठीक है ना, तो याद रहना चाहिए। अब बेटा प्रीडेटर की बात करते हैं, तो प्रीडेटर कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए प्रीडेटर कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर तो प्रीडेटर जरा ध्यान से देखो,
कि अगर एक स्पैरो है वो सीड को खा रही है, वो भी क्या है, प्रिडेशन है। ऐसा मत सोचो कि हर्बीवोर प्रिडेटर नहीं है, वो प्लांट को खा रहा है तो वो भी क्या हो गया, प्रिडेटर। ठीक है ना? तो कहने का मतलब, ऑल्दो एनिमल ईटिंग अ प्लांट आर कैटेगराइज सेपरेटली एज हर्बीवोर्स, दे आर इन ब्रॉड इकोलॉजिकल कंटेंस नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रेडेटर। अब भाई प्रेडेटर से रिलेटेड जरा कुछ पॉइंट देखो। एक तो प्रेडेटर क्या होता है भाई, कीप करता है, दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, बट पर प्रेडेटर प्रे स्पीशीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कॉज इकोसिस्टम इनस्टेबिलिटी। जैसे मान लो प्रेडेटर है, प्रे पॉपुलेशन मान लो एक आपका लायन और टाइगर, टाइगर और डियर का देखते हैं, तो भाई टाइगर यानी प्रेडेटर है, डियर उसका क्या प्रे है, तो टाइगर क्या करता है, डियर को खाता रहता है, तो उनकी पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखा हुआ है। ठीक है ना? एक एग्जांपल तो बेटा ऑस्ट्रेलिया का 1920s में, इससे कोई क्वेश्चन उतना आया नहीं, चलो बता देते हैं। 1920s में बेटा आपका वहां पे प्रिकली पियर कैक्टस इन्वेजिबिलिट था, कैक्टस बहुत ज्यादा जगह पे फैल गया था, तो उसको निपटाने के लिए एक प्रीडेटर आया था जिसका नाम था मॉथ, जो कैक्टस पे ईट करता था। जब इसको लाया गया बेटा यहाँ पे, तो ये जो आपका कैक्टस की पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल हो गई। तो यहां से क्या समझ में आता है कि प्रीडेटर की पॉपुलेशन को क्या करता है, प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल करता है। इसके बाद बेटा ये आपका एग्जाम्पल याद कर लेना, इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, क्या नाम था बेटा, स्टार फिश पिसास्टर, एक इंपॉर्टेंट प्रीडेटर था, जब उसको हटा दिया गया तो क्या हुआ, मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। कई स्पीसीज आपस में क्या करेंगी, कंपटीशन, दैट इज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। प्रीडेटर को हटा दिए तो क्या हो जाएंगे बेटा, खत्म हो जाएंगे, डाटाबेस क्वेश्चन है। प्रेडेटर कैसा होता है आपको पता होगा, शेर भूखा होगा तभी शिकार करता है, अगर वो पेट भरा हुआ होगा तो नहीं करता शिकार। ऐसा नहीं कि आज उसने 100 हिरन मार दिए, रोज ऐसे हिरन मारेगा तो हिरन की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, और हिरन खत्म हो जाएगा तो शेर भी खत्म हो जाएगा, खाने के लिए कुछ रहेगा नहीं उसके लिए। तो बहुत नेचर में ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता है, द इफ अ प्रेडेटर इज टू एफिशियंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट इज प्रे, और ऐसा करेगा तो वो सोच रहा है कि हम तो जंगल के राजा हैं, हम डियर मारे सबको मारे, हमें क्या दिक्कत है, तो बेटा उसको फूड की स्कार्सिटी कमी हो जाएगी और मर जाएगा खुद भी। तो देखो लिखा है, दिस इज द रीजन व्हाई प्रेडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट, मतलब वो आपका उसको जब भूख लगेगी तभी वो क्या करेगा बेटा, शिकार करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब बेटा यहां पे जरा देख लो, कैमोफ्लेज, क्रिप्टली कलर्ड कैमोफ्लेज, अब प्रेडेटर है तो प्रे अपने आप को बचाएगा कि नहीं बचाएगा, तो प्रे अपने आप को बचाता है, जैसे कि कैमोफ्लेज आता है। सबसे पहला एग्जांपल आता है द मोनार्च बटरफ्लाई, एक ऐसा होता है हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर बर्ड बिकॉज ऑफ अ स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी, कब खाता है बेटा, जब बटरफ्लाई किस स्टेज में होता है बेटा आपके, कैटरपिलर स्टेज में, बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस बीट। तो कैटरपिलर स्टेज में फीड कर लेता है पॉइजनस बीट पे, तो उसमें एक केमिकल आ जाता है जो बहुत ज्यादा बेस्वाद होता है, कड़वा होता है, तो कोई भी बर्ड उसको खाना नहीं चाहेगा, तो बटरफ्लाई क्या थी, मोनार्च बटरफ्लाई। अब बेटा इसमें पूरा वर्ड नहीं डाला है, ये तो इस केमिकल की वजह से मोनार्च बटरफ्लाई बच जाती है, एक और बटरफ्लाई होती है जिसका नाम होता है वाइस रॉय। ये जो वाइस रॉय बटरफ्लाई है, ध्यान सुनो, ये जो वाइस रॉय बटरफ्लाई है ये अपने आप को दिखाने कैसे लगता है, मोनार्च की तरह, चालाकी कर दिया, अपने आप को दिखा रहा है नहीं, ये बहुत स्वादिष्ट है, बर्ड इसको पाए तो तुरंत निपटा जाए, लेकिन इसने अपने आप को बना कैसे लिया, मोनार्च की तरह मिमिक्री कर ली। अब बेटा इसको बर्ड देखेगी तो सोचेगी अरे वही बेस्वाद मोनार्च है क्या है, और बच जाएगी। ठीक है ना? अब बेटा एक डाटा और याद कर लेना, नियरली 25% ऑफ इंसेक्ट नोन टू बी फाइटोफैगस यानी फीडिंग ऑन प्लांट सैप एंड अदर प्लांट पार्ट। ऑर्गन ऑफ डिफेंस में देख लेना, मॉर्फोलॉजी में एकेसिया और कैक्टस में क्या पाया जाएगा, थॉर्न।
अकेसिया और कैक्टस में क्या पाया जाएगा? थॉर्न, याद कर लेना। कैलोट्रॉपिस में क्या पाया जाएगा बेटा? कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ये याद कर लीजिएगा, इसीलिए जो कैटल वगैरह हो तो उसको खाते नहीं, ठीक है ना। हाँ बहुत चलाक थी, पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नीट 2020 में यहीं से क्वेश्चन आया था, निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्टकनीन, ओपियम, ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये प्लांट के क्या काम आते हैं? डिफेंस में, जिससे ब्राउजर जो चरने वाले एनिमल होते हैं उसको खाए ना, ऐसे पौधों को छुएंगे भी नहीं। तो याद रहेगा, याद रहेगा भाई, बोलो। कंपटीशन, व्हेन डार्विन स्पोक ऑफ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर, ही वाज कन्विंस्ड दैट इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इट इज जनरली बिलीव दैट कंपटीशन अकर व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीट फॉर द सेम रिसोर्स दैट आर लिमिटिंग। अब क्वेश्चन है, कंपटीशन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में होता है? यस होता है। अनरिलेटेड में होता है? उनमें भी होगा। कंपटीशन किसे में भी हो सकता है, बस क्या होना चाहिए? रिसोर्सेस शुड बी सेम। रिसोर्सेस क्या होने चाहिए प्यारे बच्चों? सेम होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। क्लियर? जैसे याद करो, एक एग्जांपल दिया है तब समझ में आएगा। अनरिलेटेड में अमेरिकन लैग था, साउथ अमेरिकन लैग्स, विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड रेजिडेंट फिशेस कंपीट फॉर देयर कॉमन फूड द जू प्लैंकटन। तो भाई फ्लेमिंगो यानी बर्ड और वहां की फिश दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज नहीं है, हैबिटेट भी सेम नहीं है, लेकिन उनमें भी कंपटीशन हो रहा है, किसके लिए? उस जू प्लैंकटन को पाने के लिए। मछली इधर से दौड़ रही है और उधर से उड़ते हुए आ रहा है, दैट इज कंपटीशन। अभी एक बच्चा पूछा सर कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन प्यारे बच्चे अनुज वही है जो आप अपने इस समय नीट एग्जाम में फील कर रहे हो, जो आपका रूम पार्टनर है या बगल में जो आपके कोचिंग में बच्चा पढ़ रहा है आपके साथ, वही कंपटीशन होता है। दोनों एक चीज के लिए लड़ रहे हो, नीट में सिलेक्शन। आपका रिसोर्स एम क्या है? सेम है और दोनों कंपीट कर रहे हो, और जो सुपीरियर होगा वही नेचर के द्वारा सेलेक्ट होगा, बस इतना याद कर लेना। तो कहने का मतलब कंपटीशन के लिए क्या क्या होना चाहिए बेटा? रिसोर्स लिमिटेड हो चाहे अनलिमिटेड हो, लेकिन कंपटीशन क्लोजली रिलेटेड हो चाहे अनरिलेटेड, कंपटीशन होगा, लेकिन क्या होना चाहिए? रिसोर्स सेम होना चाहिए। आपका कंपटीशन जेई मेंस के एग्जाम देने वाले बच्चे के साथ नहीं होगा, क्योंकि वो अलग उसका रिसोर्स है, आपका रिसोर्स अलग है। बेटा एक नीट 2015 जो कैंसिल एग्जाम हो गया, एक ग्राफ पूछा गया था कि दो हर्बीवोर हैं, उन्होंने स्टार्ट किया, ऐसे टाइप का ग्राफ बना हुआ था, ए बी करके ऐसे पॉपुलेशन दिया हुआ था, एक ए था एक बी था, ठीक है ना। वो यहां के कॉन्सेप्ट से लिया हुआ ग्राफ था। दो हर्बीवोर हैं, एक अबिंगडन टॉर्टवाइज है और एक गोट है। आपको पता है जो गोट है वो क्या होती है बेटा? उसकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी, चरने की घास खाने की एफिशिएंसी बहुत तेज है, और टॉर्टवाइज बड़े बड़े हैं बेचारे, धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। तो जरा बताइए कौन एक्सक्लूड हो जाएगा? टॉर्टवाइज एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि गोट की ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज्यादा है। टॉर्टवाइज जैसे ही कोई घास खाने जा रहा होगा तब तक गोट आएगा, निपटा देगा, खाने नहीं मिलेगा बेचारे, भूख से मर जाएंगे। एक और बेटा याद कर लीजिएगा, आपका कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शोड दैट द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड द लार्जर एंड कंपेरेटिवली सुपीरियर बार्नेकल बैलेनस। तो बेटा बी से बैलेनस, बी से बड़ा और डोमिनेट करेगा, सी से कैथमूलस, सी से छोटा, इसको हटा देगा। तो सुपीरियर हमेशा क्या करता है? इन्फीरियर को एक्सक्लूड कर देता है और डोमिनेट कर जाता है। गॉस कंपिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेटा दो बार आया है, जरा देखो क्वेश्चन आता है, फेज वन में आया तो फेज टू में भी देखो वही से मिला के क्वेश्चन बनाया गया। और आपको प्रीवियस चैप्टर में भी मैंने ऐसा दिखाया था कि क्वेश्चन अगर एक फेज में आता है तो दूसरे में भी उसी के जैसा बनाया जाता है, ताकि आपका जो डिफिकल्टी लेवल सेम जैसा हो।
क्या स्टेट करता है दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडेफिनेटली एंड द जो इंफीरियर होगा वो क्या होगा एलिमिनेटेड इवेंचुअली। दो भैया क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज अगर सेम रिसोर्स के लिए हैं तो एक ही सेलेक्ट होगा और एक एलिमिनेट किया जाएगा। आपका नीट का है, दो लोग तैयारी कर रहे हैं, एक सीट है तो आपको पता है एक ही को सीट मिलेगी, दूसरे को भगा दिया जाएगा। और कैसा होगा बेटा ये ट्रू कब होगा जब रिसोर्स लिमिटिंग हो, नहीं तो ऐसा कुछ होने की जरूरत नहीं है। अब जान बात दो लोग कंपीट कर रहे हैं, दो सीट है, समझो दो लोग कंपीट कर रहे हैं और दो सीट है तो दोनों को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यानी रिसोर्स ज्यादा था, सीट ज्यादा थी तो कोई टेंशन नहीं था। इसके बाद बेटा मैक आर्थर साहब का एक देख लेना, वार्बलर का। इन्होंने कहा कि जो बर्ड होती हैं, मैक आर्थर ने बताया कि पांच क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर बर्ड हैं बेटा लिविंग ऑन द सेम ट्री वर एबल टू अवॉइड कंपटीशन एंड को एग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर फोरेजिंग एक्टिविटीज। कई लोग क्या करते हैं कंपटीशन को अवॉइड करते हैं, जैसे आप लोग भी अवॉइड करते हो। दो भाई थे, दोस्त थे, तो तुमने कहा यार इस साल हम सेलेक्ट हो जाए अगले साल तुम हो जाना, ऐसा नहीं करना, बता रहे हैं कंपटीशन हमेशा रखना चाहिए, हेल्दी रखना चाहिए, नुकसान ना करो किसी का। वार्बलर ने बोला होगा ऐसा करो यार 10 से 12 तुम चर लेना, तुम जाके खा लेना, 12 से 2 हम चले जाएंगे, 2 से 4 हम चले जाएंगे, लड़ाई झगड़ा मत करो। इसको बोलते हैं बेटा रिसोर्स की पार्टीशनिंग भी कर सकते हो। और ये पूछा गया था ओडिशा नीट 2019 में। बंटवारा कर लो भैया, हम तुम काहे लड़ाई झगड़ा करें, बंटवारा कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स पार्टीशनिंग, याद करिएगा। पैरासिटिज्म में याद कर लीजिएगा बेटा, पैरासाइट एक स्पेशल मोड ऑफ एडाप्टेशन रखता है। कर्नाटका नीट 2013 में आया हुआ था, जरा देखो क्या इन अकॉर्डेंस भाई, जो जहां पे आएगा, जैसे तुम किसी घर पे जा रहे हो, होस्ट के घर पे जा रहे हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडाप्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि भैया वहां पे गए आप कहोगे कि भैया ये है हमको ये चाहिए हमको वो चाहिए, तो आप एडाप्ट नहीं कर पाओगे, आपको भगा देगा वो। तो भाई होस्ट के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग पैरासाइट अपने आप को एडाप्ट करता है, कुछ मॉडिफिकेशन करता होगा, जरा देखते हैं क्या करता है। अकॉर्डिंग विद देयर लाइफ स्टाइल पैरासाइट इवॉल्व स्पेशल एडाप्टेशन सच एज द लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। अननेसेसरी की बात कर रहे हैं, सेंस ऑर्गन नहीं रखेगा, एकदम एग्जैक्ट यही लाइन थी कर्नाटका में। प्रेजेंस ऑफ अधेसिव ऑर्गन, जैसे मान लो इंटेस्टाइन में रहना है तो वहां पे फीकल मैटर बह रहा है नदी की तरह, तो पैरासाइट को रहना होगा तो अपने वाल में चिपकने के लिए ऑर्गन पाइए, सकर पाया जाएगा, एसिटाबुलम होगा। ये क्या होता है बेटा आपका सकर पाए जाते थे किसमें, टीनिया में। टू क्लिंग ऑन द होस्ट, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मान लो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रह रहा है, पका पकाया खाना मिल रहा है, तो क्यों उसको डाइजेशन करने की जरूरत है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को लॉस कर देगा। एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, और रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, कर्नाटका नीट 2013 में पूछा गया है, लिवर फ्लूक वगैरह के बारे में देख लीजिएगा। अच्छा बताओ जो टीनिया फैसियोला हिपेटिका जो है ये बेटा दो, ध्यान सुनो, फैसियोला हिपेटिका बेटा दो होस्ट में रहता है, डाइजेनेटिक पैरासाइट बोलते हैं इसको। एक ह्यूमन होता है और एक क्या होता है बेटा आपका दूसरा होस्ट, अ स्नेल और एक फिश, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा बेटा अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इसको बोलते हैं डाइजेनेटिक पैरासाइट। जैसे कि आपका मलेरियल पैरासाइट ह्यूमन एंड इन अ फ्लीज, कौन सी फीमेल। इसके बाद बेटा देखो 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था ट्रू पैरासाइट, उसमें एक था बेटा ये वेक्टर वाला एनाफ्लीज का दिया था, और ऐसे आपका जो मदर के बॉडी में इम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ठीक है ना, उसमें ट्रू पैरासाइट कौन सा था भाई, लाइस, लाइस ऑन द ह्यूमंस। तो पैरासाइट का मतलब होता है उसके साथ क्लोज एसोसिएशन दिखे, जैसे मच्छर आया खून पिया चला गया, कहां गया आपको नहीं मालूम, तो आपके लिए वो ट्रू पैरासाइट नहीं है। मेनी मरीन फिश आर इन्फेस्टेड विद एक्टो पैरासाइट कोपर्ड, ये भी बेटा याद कर लेना, कोपेपॉड्स,
कस्कुटा के बारे में पूछा गया था मेंस 2012 में। कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है दैट इज कॉमनली फाउंड इन ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट, बाड़ पौधे के ऊपर पाया जाता है। कस्कुटा आपने देखा होगा, अमरबेल कहते हैं गांव वाले, क्या कहते हैं? अमरबेल कहते हैं, ठीक है ना? तो याद होना चाहिए भाई आपको। और एक कैसा एग्जाम्पल है, एक्टो पैरासिटिज्म, यह भी आया हुआ है, एक्टो पैरासिटिज्म किसका एग्जाम्पल। इसके बाद बेटा इंडो पैरासाइट्स में याद कर लेना, यानी पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं, एक्टो और इंडो। जैसे कि लीवर में पाया जाए, किडनी में पाया जाए, लंग्स में पाया जाए, रेड ब्लड सेल में पाया जाए, दैट इज इंडो पैरासाइट। जैसे मलेरियल पैरासाइट हो गया, इंडो पैरासाइट हो गया। द लाइफ साइकिल ऑफ इंडो पैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। भाई किसी की बॉडी के अंदर जाके रहना होगा तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना होगा, एडॉप्ट करना होगा, ठीक है ना? एक जब उसमें क्वेश्चन पूछा जाता था ना ट्रू पैरासाइट का, उसमें एक ऑप्शन था ब्रूड पैरासिटिज्म भी, यानी ये भी ट्रू पैरासाइट नहीं है। बस आपको याद होना चाहिए कोयल किसके अंडे में, बेटा आपका क्रो, क्रो के घोंसले में, आपको पता ही होना चाहिए। बस कोयल यानी जो लोग मीठे बोलते हैं वो चालाक बहुत होते हैं। कौआ बेचारा कर्कश है लेकिन पालता किसका अंडा, कोयल का भी। इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड मतलब नेस्टमेंट। तो भाई ये बात याद रखना कि जो लोग क्या होते हैं, मीठे होते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रखिएगा। कहने का मतलब आपको मीठा मीठा बोले, आपको सच्चाई ना दिखाएं, जैसे हम ही हैं, डांटते रहे तुम्हें, ना डांटे, कहें तुम बहुत बढ़िया हो, और चाहे तुम बेकार हो तो दिक्कत है ना तुम्हारे लिए, हम तो बताएंगे ना कि नहीं गलत रास्ते पर जा रहे हो, सुधर जाओ। कॉमन सेलिज्म, बस भैया याद होना चाहिए एग्जाम्पल, फटाफट बोलते हैं क्या होगा भैया, एक को फायदा एक को कोई, ना फायदा ना नुकसान, प्लस जीरो। पहला एग्जाम्पल था बेटा बार्नेकल ऑन, बताओ बेटा बताओ, बार्नेकल ऑन वेल। पहला हो गया बेटा बार्नेकल ऑन वेल, वेल इतनी बड़ी मछली, उसको क्या फर्क पड़ता है, बार्नेकल को उसके लिए फायदा हो जाता है। ऑर्किड ट्री के ऊपर एपिफाइट, ठीक है ना, मैंगो ट्री के ऊपर बेटा ऑर्किड एपिफाइट, मैंगो कोई नुकसान नहीं, ऑर्किड को फायदा है। कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल सब याद होगा आपको, याद कर लीजिएगा। इसके साथ साथ बेटा आपको याद होना चाहिए सी एनीमोन प्लस क्लॉन फिश, क्लॉन फिश ये आपको याद होना चाहिए, ये भी कॉमन सेलेजम का है। सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब होता है बेटा, वो सिम्बायोसिस म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल होता है, प्रोटो कोऑपरेशन। तो सी एनीमोन का दो जगह है, एक तो सी एनमोन विद क्लोन फिश, एक कॉमन सेलिज्म होता है, सी एनमोन को कोई फायदा नहीं होता है, क्लोन फिश को प्रीडेटर से बच जाता है। लेकिन हर्मिट क्रैब और सी एनमोन का जो एसोसिएशन होता है वो होता है बेटा आपका म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। म्यूचुअलिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइनोबैक्टीरिया आपको बता ही दिया था, एक तो बेटा आपका एजोला के साथ पैडीफील्ड में, साथ साथ साइकस के साथ कोरेलवाइड रूट, माइकोराजा आपको पता होगा पाइनस सीड वाला हायर प्लांट, ये सब याद होना चाहिए। साथ ही साथ एक और पूछा गया था फिग एंड वास्प, वो आपको याद होता है, यक्का और माथ भी क्या होता है बेटा, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है, नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, नीट 2017 में माइकोराजा के बारे में पूछा गया था, और बेटा आपका नीट 2013 में पूछा गया था सी एनमोन और हर्मिट क्रैब का, कई बच्चे कॉमन सेलिज्म लगा दे गए, जबकि कॉमन सेलिज्म कैसा होता है बेटा आपका सी एनमोन विद क्लाउन फिश। सी एनमोन और हर्मिट क्रैब का होता है तो सी एनमोन को हर्मिट क्रैब एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कराने में हेल्प करता है, और सी एनमोन की वजह से हर्मिट क्रैब को प्रेडेटर नहीं खा पाता, तो दोनों एक दूसरे के लिए जब जरूरत होता साथ में आ जाते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं। तो 100% ऑब्लिगेटरी नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं भाई? सिम्बायोसिस। और उसका आंसर यही था सिम्बायोसिस, आंसर क्या था? सिम्बायोसिस। तो बच्चों आपको याद होना चाहिए सी एनमोन का दो जगह है, सी एनमोन विद क्लोन फिश कॉमन सेलिज्म एंड सी एनमोन विद हर्मिट क्रैब सिम्बायोसिस, यानी कि दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, फिग एंड वास्प के बाद बेटा आपका एक ऑर्किड का आता है, ऑर्किड बीज और बम्बल बीज, ध्यान सुनो,
ऑर्किड बीज और बम्बल बीज, इनके बीच का रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिस्टिक है, यानी दोनों एक दूसरे के फायदेमंद है। लेकिन एक ऐसा ऑर्किड है जिसका नाम है बेटा मेडिटेरेनियन ऑर्किड, क्या नाम है बेटा? ऑफरिस। ये क्या करता है? सेक्सुअल डिसीट शो करता है, धोखा दे देता है। ये ट्रू म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप नहीं है, धोखा दे रहा है किसको? एक बी को। तो ऑर्किड और बी में पूछा जाए तो म्यूचुअलिज्म बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेडिटेरेनियन ऑफरिस की बात करें, ऑर्किड जो ऑफरिस है, तो ये क्या इंप्लॉय करता है बेटा? सेक्सुअल डिसीट करता है। अब बेटा ये अपने आप को ऐसा बना लेता पेटल वगैरह कि जैसे लगता है फीमेल बीज है, तो मेल बीज भ्रमित हो जाता है और स्यूडो कॉपुलेट करता है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डिसीट, धोखा है, तो स्यूडो कॉपुलेशन होता है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर फीमेल बी के कलर और पैटर्न में बदलाव हो तो क्या होगा? तो आपको पता होगा फीमेल बी बदल गई। आप तो ऑर्किड कहेगा यार वो तो बदल गया, ठीक है हम भी अपने आप को पेटल को अपने आप को बदल लेगा वो भी। इसको बोलते हैं को इवोल्यूशन, साथ साथ इवॉल्व करना। तो पेटल कलर वगैरह को भी अपने आप उस फीमेल के बी के हिसाब से बदलता रहेगा, जैसे जैसे फीमेल बी बदलता रहेगा ऐसे ऐसे पेटल कलर और उसका डिजाइन भी बदलता रहेगा। हाँ भाई धोखा है, धोखा वाली चीजें कभी भी पॉजिटिव नहीं होती। तो बच्चों ये आपका रहा, आपको क्या याद करना होगा? पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, वो जो ग्राफ बना है वहीं पे सारे एग्जांपल लिख लीजिएगा, आपके दो तीन पेज एक साथ हो गए, काम खत्म। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में बेटा आपका रेशियो वगैरह देख लीजिएगा और जहां पे ग्राफ बना है वहीं पे सारे पॉइंट समराइज कर दीजिएगा। चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्या रहा? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑर्गन ऑफ डिफेंस, वो बेटा नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो नियर अबाउट बेटा इसमें चैप्टर में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, और खास करके बेटा dn अपॉन dt इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k, इससे दो तीन बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बेटा इस पे ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपको उसमें ज्यादा समझ में आएगा। चलो भाई रेडी हो क्वेश्चन के लिए सभी लोग? एवरीवन रेडी? रैपिड फायर होगा भाई, 15-20 मिनट। नीस, व्हाट इज नीस? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज नीस? यस राइट, द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स। देखो सिंपल सा क्वेश्चन आया था बहुत। अरे बी नहीं है भाई अंजलि, फिजिकल स्पेस क्या होता है? ये तो हैबिटेट हो गया, डी आंसर होगा। निमेटोफोर्स अकर्सिंग, नीट 2018 में आता है। हैलोफाइट्स, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, कार्निवोरस प्लांट, सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स। बहुत तेजी से जवाब दीजिए। यस ए, हैलोफाइट्स में पाया जाता है, एग्जांपल राजापुर आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्लांट विच प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक नेमेटोफोर्स एंड सो वीवी पेरिस बिलोंग टू, नीट 2017 में। देखो सेम क्वेश्चन मिलता जुलता। यस राइट, क्वेश्चन के नंबर के साथ जवाब दीजिए, सब समझ में आएगा क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग। हैलोफाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? हैलोफाइट्स। अच्छा बच्चों सेमोफाइट्स मतलब सैंड में, सेमो वर्ड मतलब सैंड होता है, सेमोफाइट मतलब सैंड, हाइड्रो मतलब पानी, मीजो मतलब ना तो ज्यादा सूखा ना तो ज्यादा पानी। नीट 2017 में नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट कैन बी सीन बेस्ट, कहने का मतलब स्ट्रेटिफिकेशन कौन से, ट्रॉपिकल में कि ग्रासलैंड में कि टेम्परेट में कि ट्रॉपिकल में, सवाना।
हाँ भैया याद होना चाहिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? आपको पता होगा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कल आपको दिखाया भी था, अच्छे से समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2016 का है। इट इज मच इजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल देन फॉर अ लार्ज एनिमल बिकॉज। तो आज क्लास स्टार्ट होते ही इसके बारे में बताया था, चलिए बताइए। यस राइट, स्मॉलर एनिमल हैव अ हायर मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि आपको पता होगा सरफेस एरिया क्या होगा, वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो आप लोगों ने आंसर दे दिया, यही रीजन होता है पूरा डिस्कशन करने के बाद पीआरक्यू कर रहे हैं, तो आपका आंसर सही जा रहा है। नीट 2015 में क्वेश्चन आया था, एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट एंड हैविंग फंक्शनल इंट्रैक्शन इज। देखो जैसे फंक्शनल आ जाए बिना सोचे समझे आंसर दे देना चाहिए। इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, इकोलॉजिकल नीस, बायोटिक कम्युनिटी। और साथ ही साथ ध्यान रखना सेम नहीं है, एक बंदा होता तो हम मानते हैं इकोलॉजिकल नीस, डिफरेंट स्पीसीज है, हमको मालूम तो वही आंसर करोगे सब लोग। बेटा इसका आंसर है बायोटिक कम्युनिटी, आंसर है बायोटिक कम्युनिटी। देखो ध्यान से देखो कैसे, एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, पहले तो यहीं पे देखो चेंज हो गया, जैसे ही लिविंग इन द सेम हैबिटेट एंड हैविंग फंक्शनल इंट्रैक्शन, आपस में इंट्रैक्शन है हमारा बैक्टीरिया के साथ, डॉग कैट इन सबके साथ, तो ये क्या बनेगा बेटा आपका बायोटिक कम्युनिटी, क्या बनेगा बायोटिक कम्युनिटी। मैंने जैसे लगा दिया फंक्शनल, आपने सोचा इकोलॉजिकल नीस से होगा, इकोलॉजिकल नीस तो बेटा एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है ना, एक इंडिविजुअल स्पीसीज की बात है, नीस की बात है, ये तो बेटा पूरी स्पीसीज की बात कर रहा है, ये क्या कहलाता है बेटा बायोटिक कम्युनिटी। और मैंने कहा था बायोटिक कम्युनिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, क्लियर हो गया सबको? अच्छा दिख नहीं रहा था, पहले बताया तो दिखा देते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट एज अ पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला टू स्केप द हीट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ हॉट समर, थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन मूव्स टू वेस्टर्न घाट, मेघालय, कार्बेट नेशनल पार्क, केवलाडो नेशनल पार्क। अच्छा यूनिवर्स डी दिए थे, ठीक है भाई, यस केवलाडो नेशनल पार्क, भरतपुर, राजस्थान, ये आपको याद होना चाहिए। कार्बेट नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए कहां पे, जरा बताओ कार्बेट नेशनल पार्क कहां पे, जवाब दीजिए। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासिटिक एडाप्टेशन, डेवलपमेंट ऑफ एधेशु ऑर्गन, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। केलाडो तो राजस्थान में था और कार्बेट बेटा आपका उत्तराखंड में है। यस राइट, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हाई होती है, लॉस थोड़ी ना होता है, बाकी सारे होते हैं, हाई रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी पाई जाती है भाई, तो आंसर इज सी। बेंथिंग ऑर्गेनिजम्स आर अफेक्टेड द मोस्ट बाई लाइट रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर, सरफेस टर्बुलेंस ऑफ वाटर, सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। यस राइट, आंसर इज सी, जैसा सेडिमेंट होगा उसी प्रकार के वहां पे बेंथिक मतलब तली पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, आज आपको डिस्कस कराया था।
नीट 2012 में क्वेश्चन आया है, पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द प्लेन्स टू एन एरिया एडजॉइनिंग रोहतांग पास अबाउट 6 मंथ बैक्स, 6 महीने पहले आया है, अब वो एडाप्ट हो चुका है, तो जरा बताइए उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तो बेटा पहला आंसर दिख रहा होगा आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है और बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाती है, आंसर इज फर्स्ट। ठीक है ना, हैव मोर आरबीसी एंड देयर हीमोग्लोबिन हैज अ लोअर बाइंडिंग एफिनिटी विद ऑक्सीजन, लार्ज वुडी वाइन्स आर मोर कॉमनली फाउंड इन नीट 2011। वुडी वाइन्स क्या होते हैं बेटा, वो लाइनास कहलाते हैं, जरा बताइए भाई कहां पाया जाता है। भैया क्वेश्चन पे ध्यान दो, आपस में बात मत करो। टेम्परेट फॉरेस्ट मैंग्रोव्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट, यस आज ही बता दो बेटा कहां पाया जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है क्योंकि कैनोपी बहुत डेंस होती है तो सनलाइट नहीं मिलती है, तो ये बड़े बड़े धागा जैसे जिसमें चढ़ते हो दिखाया, जब कभी आप लोग मूवी वगैरह देखो तो वहां पे दिखाया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ट्रेवल करने के लिए लोग यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन नीट 2020, सेक्स रेशियो, नेटलिटी, मोर्टेलिटी, स्पीसीज इंट्रैक्शन। Which one of the following is not an attribute of population? Yes, right. Species interaction ये population का attribute नहीं है। क्या क्या बेटा आपका sex ratio, natality and mortality है। Simple सा question था। आगे बढ़ते हैं NEET 2019 का question है बच्चों। Carnivorous animal, lions and leopard occupy the same niche, but lions predate mostly large animals and leopard take smaller ones. दिस मैकेनिज्म ऑफ कंपटीशन इज रिफर टू एज कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, एल्ट्रुइज्म, रिसोर्स पार्टिशनिंग, कंपिटिटिव एक्सक्लूजन। यस रिसोर्स पार्टिशनिंग होगा, क्या होगा भाई, रिसोर्स पार्टिशनिंग होगा बच्चों, सिंपल सी बात है भाई, तुम बड़े वाले खा लो हम छोटे वाले खा ले रहे हैं, दोनों बंटवारा कर लेते हैं। बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म, 2019 का क्वेश्चन बेटा। ऑर्किड एंड द ट्री ऑन विच इट ग्रोज, कैटल एग्रेड एंड ग्रेजिंग कैटल्स, सी एनमोन एंड क्लाउन फिश, फीमेल वास्प एंड फिग स्पीसीज। कौन आपका कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है, तो बाकी ये तीनों बेटा आपके कमेंसलिज्म है, ये क्या है आपका म्यूचुअलिज्म। राइट, नेटलिटी रिफर्स टू नीट 2018 का क्वेश्चन है, बर्थ रेट, डेथ रेट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग द हैबिटेट या इंटरिंग द हैबिटेट। यस नेटलिटी रिफर टू बर्थ रेट, बर्थ रेट को रिफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद अ स्पीसीज ऑफ मॉथ वेयर नन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर, यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप है किसमें होगा। नीतू शर्मा दोबारा तुम्हारा मैसेज दिखा तो ब्लॉक कर देंगे तुम्हें बेटा।
यस राइट, यक्का एंड मौत, यक्का एंड मौत, ये क्या होता है भाई, आपका म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है, दोनों एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, नीट 2018 क्वेश्चन है, बताइए भाई, ग्रोइंग पॉपुलेशन है तो क्या किससे ज्यादा होगा, ग्रोइंग है, यस राइट। बच्चों जब प्री रिप्रोडक्टिव ग्रेटर देन रिप्रोडक्टिव होगा, इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हो गया, ग्रोइंग है, बराबर होगा तो स्टेबल, कम हो जाएगा तो डिक्लाइन। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो प्यारे बच्चों, वेरी गुड। थोड़ा स्पीड और बढ़ाते हैं, 2018 का क्वेश्चन फिर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बड़ा क्वेश्चन आया था भाई 2018 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंट्रेक्शन इज वाइडली यूज इन मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, कॉमन सेलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज, अमन सेलिज्म। रितेश कुमार शर्मा, न्यूलाइट इंस्टीट्यूट नाम का ऐप है बेटा, प्ले स्टोर पे आप जाके डाउनलोड कर लीजिए और वहां से हमारे टेस्ट सीरीज को आप एक्सेस कर सकते हैं। यस, अमन सैलिजम होगा बेटा, माइनस जीरो, बाकी ब्लैक वॉलनेट भी याद कर सकते हैं आप। चलिए ठीक है, ए सिम्टोट इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑप्टेंड व्हेन, सिम्टम नहीं दिखेगा, कोई ग्रोथ दिखेगा नहीं, ए सिम्टोट रहेगा, जब k इक्वल टू n हो जाएगा, k इज ग्रेटर देन n, k इज लेस देन n, द वैल्यू ऑफ r अप्रोचेस जीरो। यस रितेश, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, यस k इक्वल टू n, जब बेटा k इक्वल टू n हो जाएगा तो आपको पता है dn अपॉन dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब k इज ग्रेटर देन n हो जाएगा तो ग्रोथ कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और k इज लेस देन n हो जाएगा तो ग्रोथ कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना, याद होना चाहिए इतना आपको। माइकोराजी आर द एग्जांपल ऑफ, अमन सेलिज्म, एंटीबायोसिस, म्यूचुअलिज्म, फंजिस्टेसिस। तो भाई माइकोराजा क्या हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म, देखो घिसा पिटा सवाल है नीट 2017 का, क्वेश्चन आसान आते हैं, ज्यादा आप प्रॉब्लम ना करें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, नीट 2016 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर सेलेक्टेड स्पीसीज, कौन भैया, आर साइड, साइड ही है भाई, मुन्ना सौम्या, आर सेलेक्टेड स्पीसीज आज शुरू में ही बताया था, फंजाई ग्रोथ को रोकने वाले, तो बेटा क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी विद स्मॉल साइज, आंसर इज पहला, के सिलेक्टेड में आपको याद होना चाहिए, लार्ज साइज होगा, स्मॉल प्रोजनी होगा। नीट 2016 प्लस जीरो साइन हो तो प्लस माइनस किसके लिए है, सिंपल सा क्वेश्चन था, प्लस माइनस इंट्रेक्शन किसके लिए, म्यूचुअलिज्म, अमन सेलिज्म, कॉमन सेलिज्म, पैरासिटिज्म। यस, पैरासिटिज में आंसर हो जाएगा, तो दो प्लस माइनस होते हैं, या तो प्रिडेशन होता है या तो पैरासिटिज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वाज स्टेटेड बाय चार्ल्स डार्विन, जी डॉट एफ डॉट गॉस, मैक आर्थर, वर्लहस्ट एंड पर्ल।
तो बच्चों आपको पता होगा कौन दिया थे बेटा, रिसोर्ट कंपटेटिव है तो कौन होगा, जी एफ गॉज, गॉज ने दिया था। डार्विन के बारे में आपको पता ही है, मैक आर्थर बेटा रिसोर्स पार्टिशनिंग से रिलेटेड थे, वार्बलर पे किए थे, पांच क्लोजरी रिलेटेड वार्बलर। और पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है डीएन अपन डीटी इक्वल टू आर एन ब्रैकेट में के माइनस एन अपन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का, व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल टू जीरो। अगर ग्रोथ इक्वेशन ए है डीएन अपन डीटी इक्वल टू आर एन, वन माइनस एन बाई के। अनुपम आई एम नॉट श्योर, मुझे टीजीटी पीजीटी का आइडिया नहीं है। व्हेन एन बाई के इक्वल टू जीरो, अगर भाई एन बाई सॉरी व्हेन एन बाई के इक्वल टू वन, क्योंकि एन बाई के इक्वल टू वन होगा तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई डी एन अपॉन डी टी क्या हो जाएगा जीरो। तो व्हेन एन बाई के इज एग्जैक्टली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉस प्रिंसिपल ऑफ कंपिटेटिव एक्सक्लूजन स्टेटेड दैट, बहुत तेजी से दबा दीजिए, पांच दस क्वेश्चन और है बस। तो आपको पता है बेटा, आपको सिंपल सा यही है, नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई मोर देन वन स्पीसीज, ठीक है, सेम नीस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, गॉस का सिंपल सा था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली इफेक्टेड। तो बच्चों आपको पता है कंपटीशन में दोनों में माइनस माइनस होता है, दोनों खतरनाक होते हैं, दोनों को नुकसान होता है। द आंसर इज सी। अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू कंपटीशन बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, रिड्यूस ब्रीडिंग इनएफिशिएंसी इन वन स्पीसीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरफेरिंग स्पीसीज, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। यस, इंट्रा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, बिसाइड पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ। तो बेटा कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस में पाए जाते हैं, ये आपको शुरू में कई बार डिस्कशन करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अ सेडेंटरी सी एनिमल गेट्स अटैच्ड टू द शेल लाइनिंग ऑफ हर्मिट क्रैब द एसोसिएशन इज, एसोसिएशन क्या कहलाएगा। रितेश 2010 से 2020 तक का कर लो। यस, ये क्या कहलाएगा भाई, हर्मिट क्रैब है तो क्या कहलाएगा, सिम्बायोसिस। अगर एक क्लोन फिश होता तो क्या हो जाता बेटा, कॉमन सेलिजम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यही है, एन एट टी वन टी प्लस वन इक्वल टू एन टी ब्रैकेट में बी प्लस आई एक ब्रैकेट में डी प्लस ई, ठीक है ना, और यहां पे प्लस रहेगा एन एट टाइम टी। तो जरा देख लो नेटलिटी क्या है, 50 है तो 250 होगा, आई माइग्रेशन कितना है 20 है, जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 270। डेथ क्या है 240, ई माइग्रेशन क्या है 30 है तो 240 प्लस 30 ये भी क्या हो गया 270, फिर 20। 31, द एज पिरामिड विद ब्रॉड बेस इंडिकेट्स, भाई ब्रेड अगर आप उसका बेस ब्रॉड है यानी प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है तो ये यानी हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल होगा। कस्कटा इज एन एग्जाम्पल, आपको बता दिया था बेटा कैसा होता है, एक्टोपैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। नीट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज एज अ पैरासाइट इन ट्रू सेंस। आज आपको शुरू में डिस्कस कराया था, तो आपको बेटा फीमेल एनाफिलीज वेक्टर है तो ट्रू सेंस में नहीं होगी, ह्यूमन फिटस भी ट्रू सेंस में नहीं है, हेड लाउस आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ और ये भी क्या है ट्रू है, और कोको यानी ब्रूड पैरासिटिज्म भी ट्रू सेंस में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 33 का सी। द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन, तो बेटा क्या होता है डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। तो आंसर हो जाएगा बेटा बी, ये आपको याद है कई बार।
35 में नीट 2010 का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिफाइंड। होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड फूड टू अनदर ऑर्गेनिज्म। एमेंसलिज्म इज अ रिलेशन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिटेड, तो क्या होता है, हार्म होता है, दूसरा अनइफेक्टेड होता है, गलत हो जाएगा। प्रीडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैचेस एंड किल अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, तो आंसर सही हो जाएगा। पैरासाइट लिखा है ऑलवेज लिव इनसाइड, यानी इंडो की बात कर रहा है, एक्टो भी हो सकते हैं, इसलिए बेटा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये आया था जो आपको मैंने बताया था, दो हर्बीवोर होते हैं, तो जरा देखिए दोनों साथ साथ चले, लेकिन बी ने कंपिटिटिवली क्या किया, ए को पछाड़ दिया, तो पॉपुलेशन बी कंपीटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन पॉपुलेशन ए। बी क्या है, गोट है, ए क्या है, अबिगडम टॉर्टोइस है, ठीक है। तो बच्चों एक क्वेश्चन था आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आज बेटा आपका एक यूनिट समाप्त हो गया इकोलॉजी, जिसके चार चैप्टर विद PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए। होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट आपकी बेटा फिजिक्स की क्लास है, उसको ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। बाकी अब आपकी नेक्स्ट क्लास बच्चों मंडे को होगी, बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट होगा पीछे से, यानी कि पहले एक होगा उसका एप्लीकेशन, देन उसका हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मंडे को रहेगा बायोटेक्नोलॉजी, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। देख करवाते हैं बच्चों, थैंक यू, लाइक करिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करते रहिए, जिससे कि हमें पता चलेगा जो भी मॉडिफिकेशन होगा या जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको जरूर करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।